सीखिए, खुद समझिए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए और आगे बढ़िए, राइट। आप सबके अपलाइन मेंटर जो है राइट चरणजीत सर, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है और उनकी एक लाइन बहुत अच्छी मेरे को लगती है, राइट। जिंदगी में अपने आप से बार बार पूछो, अगर आपको सक्सेस होना है, कि सूरज को आप उठा रहे हो या सूरज आपको उठा रहा है, राइट। तो वो लोग कभी सक्सेस नहीं हो सकते जिनको सूरज उठाता है, बट डेली जो सुबह 5 बजे 4 बजे उठ करके सूरज को उठाते हैं, लिख लीजिए, आपकी सक्सेस 110% तय है। सो आज हमारे पास वर्ल्ड की इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हर्बलाइफ से पहले मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया, बहुत सारे काम धंधे किए अलग अलग, बट फेल रहा, राइट। सो अभी मैं हर्बलाइफ की पावर, उसके सिस्टम की पावर, और जो लोग यहाँ पर ईमानदारी से काम करेंगे, आपका क्या हो सकता है, मैं खाली एक झलक दिखाना चाह रहा हूँ। और जो भी मैं मेरी स्टोरी बताऊंगा, उसमें आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी, मैसेज भी मिलेगा, आपको जो जो चीजें अपने काम की लगे आप उसको लिखते जाइएगा। एंड आई होप सारे लोग अपना अफ्रेज कंप्लीट करके बैठे होंगे। हैव यू हैड योर अफ्रेज टुडे? अफ्रेज लेके बैठे हैं, ग्रेट। अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसके बावजूद मैं यहाँ पर अपनी डायरी लेके बैठा हूँ। तो कितने लोग यहाँ पर डायरी पेन लेके बैठे हैं? ग्रेट, सभी लोग बैठे हुए हैं, यस। सो मेरा नाम त्रिभुवन तिवारी है। आज से 7.5 साल पहले इस अमेजिंग कंपनी में जब आया था, तो कुछ इस तरीके की कंडीशन हुआ करती थी। नहीं आइडिया था कि न्यूट्रिशन लगाते हैं या खाते हैं, राइट, क्योंकि उन लोगों के बीच में कभी रहे नहीं, एवरी टाइम जब भी रहे ओवरवेट वालों के बीच में रहे, और ऐसा लगता था कंपटीशन उनसे होता था कि इसका वजन इतना है, मेरा वजन क्यों नहीं इतना है, क्योंकि मालूम ही नहीं था बढ़ता हुआ वजन फायदेमंद नहीं नुकसानदायक है, राइट। बट थैंक्स टू माई स्पॉन्सर, मेरे वेलनेस कोच, जिनको पहली बार मैं जब मिला, और हर्बलाइफ के नजरिए से हम दोनों लोग पहले इंश्योरेंस कंपनी में थे, 9.5 साल से साथ में थे, और वो भी कुछ ऐसे हुआ करते थे, मैं भी कुछ ऐसा हुआ करता था जो आपके सामने हूं। बट जब मेरे स्पॉन्सर से आफ्टर 6 मंथ में मिला, तो उस बीच में वो अपनी बॉडी से 24 kg वेट लॉस कर चुके थे, राइट। आपको जो भी मैं स्टोरी बता रहा हूं, आपको इसी में समझना है कि क्या करने से क्या हुआ, राइट। सो मैंने जब देखा यार एक आदमी का 24 किलो वजन कम हो गया, और मैं भी वजन कम करने के फिराक में था, बहुत सारा कुछ कर चुका था, राइट, जिम जा चुका था, पैदल दौड़ चुका था, सब कुछ कर चुका था, बट वो सिस्टम, वो तरीका नहीं मालूम था कि वेट लॉस कैसे होता है, वेट लॉस क्या होता है, क्या खाने से, क्या करने से वेट लॉस होता है, राइट। तो वो सब चीजें नहीं मालूम थी, बट जब पहली बार मेरे वेलनेस कोच को मैंने देखा, हमारे स्पॉन्सर राइट वन डायमंड प्रेसिडेंट टीम एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट टीम मेंबर मिस्टर धर्मेंद्र सर को जब मैंने देखा, मैंने कहा सर ये कैसे हो गया, आपने 25 किलो वेट लॉस कैसे कर दिया। तब उन्होंने बताया कि मैं एक जगह सुबह सुबह जाता हूँ और वहां जाकर के बेहतरीन नाश्ता करता हूँ, और नाश्ते करने के साथ हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल कैसे जिए वो सिखाते हैं, और बस धीरे 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 करके इन 4 महीनों में 24 किलो वेट लॉस हो गया। एंड आई वॉज शॉक्ड। अभी एक व्यक्ति जो वेट लॉस करना चाहता है, और उसके सामने एक व्यक्ति जो वेट लॉस कर चुका है, वेट लॉस कर चुका जो व्यक्ति है उसका रिजल्ट दिख रहा है, विजुअल रिजल्ट है, तो ये व्यक्ति उसको ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा? ऑफ कोर्स करेगा। तो मैंने भी वही किया, मैंने उनको एक ही चीज बोली, सर कल का कल मेरे को वेट लॉस करना है, और कल का कल मेरे को बताइए क्या करना है। तो उन्होंने बोला कल आ जाओ हमारे क्लब पे, आ जाओ आप, आओ आपको वहां पर हम बताएंगे, सिखाएंगे, और आपका चेकअप करेंगे, और आपको बताएंगे आप कैसे करना चाहते हैं, अगर आप सीरियस हैं तो। ये पॉइंट जो उन्होंने बोला, अगर आप सीरियस हैं तो उनसे छूटने के बाद भी मेरे दिमाग में ये बात बार बार थी कि क्या मैं सीरियस हूं, और मैं सीरियस था। मैं दूसरे दिन क्लब गया, क्लब जाने के बाद मैंने वहां पर उनसे मिला, वो पूरा प्रोसेस देखा और उसको समझा, उसको दिमाग में उतारा, डायरी में उतारा, और लग गया मिशन में। उन्होंने एक ही चीज बोली, अगले 3 महीने मेरे हवाले कर देना, मैं आपको बेहतरीन पर्सनैलिटी, बेहतरीन स्लिम बॉडी बना करके आपको दूंगा, अगले 3 महीने आपको फॉलो करना जो मैं बोलूंगा। मैंने कहा सर दिया 3 महीना, क्योंकि जिंदगी के 40 साल वैसे भी बर्बाद हो चुके थे, और 3 महीने अगर कोई मेरी लाइफ को बदलने के लिए मांग रहे थे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। क्या आप लोग देने के लिए तैयार हैं? ग्रेट। सो मैंने वही किया जो मैंने आपको बताया, मैं वहां क्लब पे गया, उन्होंने जैसा जैसा किया, पहले दिन का अफ्रेश पिया, शेक पिया, उसके पहले बहुत सारी बैड हैबिट थी, बट अफ्रेश और शेक पीने के बाद अगले 2 महीने में जैसा जैसा मेरे स्पॉन्सर ने बोला मैंने वैसा फॉलो किया, अगले 2 महीने में अपनी बॉडी से मैंने फैट लॉस किया, राइट, और मसल्स डेवलप करी, राइट, और 14 किलो वेट लॉस करके ऐसे से ऐसा हुआ, राइट।
अभी ये जब हुआ तो मेरे को नहीं मालूम था, मेरे को तो ऐसा लगता था मेरी सेहत अच्छी हो गई, बट मेरे को नहीं मालूम था कि इसके बाद और क्या होने वाला। जैसे ये हुआ तो लोगों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे बना लिया, आपकी बॉडी फिट कैसे लगने लग गई, इस उम्र में भी आप इतने फिट और यंग लगते हो, ऐसा कैसे हो गया, क्या हमारा भी हो सकता है। तो मैंने उनको वेलकम करना शुरू कर दिया, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, कौन सी दवाई ली, कौन सा मेडिसिन लिया, मैंने कहा कुछ नहीं लिया, सिंपल सा सुबह का नाश्ता बदला, जिंदगी बदल गई। क्या आपका नाश्ता बदल के जिंदगी बदलेगी तो चलेगा, उन्होंने बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं, मैं मेरे घर से जब क्लब जाता था और आता था, इसने में करीब 35 किलोमीटर का रन मेरे को करना पड़ता था, 17 किलोमीटर एक साइड जाना, 17 किलोमीटर एक साइड आना, और इस तरीके से 2 महीने मैं जाता रहा। और 2 महीने जाने के बाद, उसके बाद जितने भी लोगों ने बोला, उन सबको मैंने सेम वही चीज बोली कि अगले 3 महीने में मैं आपको मदद तो करूंगा, बट आप सीरियस हैं क्या? अगर आप सीरियस हैं तो मैं आपको हेल्प करूंगा। और फिर धीरे धीरे वो लोग वहां मेरे साथ क्लब आने लग गए और वही चीज होने लग गई। सो थैंक्स टू माई एंजल स्पॉन्सर, ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। आज मैं जहां पर भी हूँ इनकी बदौलत हूँ, और आज भी मेरे को लगता है मेरे भरे पूरे खानदान में ये पहले व्यक्ति हैं जिसने मेरी जिंदगी को 180 डिग्री बदलने में सबसे ज्यादा मेहनत करी है, सबसे ज्यादा, राइट। सो आई एम सो थैंकफुल टू माई स्पॉन्सर। और आपको समझना है, अगर आपको हर्बल लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको नॉर्मल लाइफ का कल्चर छोड़ के हर्बल लाइफ का कल्चर अपनाना है। हमारे जो मेंटर हैं डेविड सर, वो बार बार बोलते हैं दिन में कम से कम 30 लोगों को थैंक्स बोलो, 30 लोगों को सॉरी बोलो। किस बात का? पता नहीं जाने अनजाने में कौन सी आपसे गलती हुई, तो सॉरी बोलने वाला हमेशा महान होता है, छोटा नहीं होता है, राइट। थैंक्स बोलने वाला हमेशा महान होता है, राइट। तो ये हमारा नेचर है, नेचर ने हमको पता नहीं क्या क्या चीजें दी हैं, उनके लिए एवरी टाइम आप उसको थैंक्स बोलिए। सो हमने ये कल्चर उनसे सीखा है, राइट, और आज भी हम सीखते सीखते आगे बढ़ रहे हैं। तो 7.5 साल पहले, ये आप देख सकते हैं मेरे इवेंट की पहली डेट है। आप में से मैं पूछना चाहूंगा कितने लोग हैं जो पहली बार आज इवेंट में आए हैं? आप एसोसिएट हैं, सक्सेस बिल्डर हैं या सुपरवाइजर हैं, आज आप पहली बार इवेंट में आए, वाओ वेरी नाइस, बहुत सारे लोग हैं। सो आप आइडिया लगा सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये 30 दिसंबर 2013 को मैं पहली बार सूरत से 300 किलोमीटर दूर मुंबई गया था देखने के लिए, क्योंकि मेरे स्पॉन्सर ने बोला था 3 महीने मेरे को देने, और 2 महीने जब मेरा वेट लॉस हुआ मैं पहला इवेंट देखने गया। आई वॉज शॉक्ड, यार ये कौन सी दुनिया है जहां हाउसवाइफ बोल रही है 1 लाख कमा रही हूँ, वो बोल रहे हैं इतना कमा रहा हूँ, और मैं अपने आप को बड़ा बिजनेसमैन समझता हूँ, मैं 12 से 15 हजार कमा रहा हूँ, और वो भी 35 लाख कर्जा मेरे ऊपर चल रहा है, राइट। तो मैं कौन सी दुनिया में हूँ और ये कौन सी दुनिया में है, और यहाँ सारे के सारे लोगों के चेहरे स्माइली लग रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं, इनको लग रहा है जिंदगी में बहुत कुछ मिल गया। तो मेरे को भी ऐसी ही लाइफ चाहिए, और मैंने उसी दिन डिसीजन लिया कि यहां से छोड़ने के बाद अब मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने जा रहा हूँ, ये जो बताने जा रहे हैं मैं करने जा रहा हूँ। और वहां से इस तरीके से मेरी जर्नी शुरू हुई। डेविड सर से मिला, डेविड सर को जब मैंने पहली बार सुना स्टेज पे, उन्होंने एक ही चीज बोली कि आज के बाद आपकी लाइफ, आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। आप लिख सकते हैं, आपका फ्यूचर इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं। आपको क्या मालूम है इस बात पे नहीं, आप कितने ज्ञाता है कितने ज्ञानी है इस बात पे डिपेंड नहीं करता। आज आप क्या डिसीजन ले रहे हैं, आज आप कौन सा स्टेप सक्सेस के लिए ले रहे हैं, आज मतलब कल भी आपके लिए आज ही आएगा। आज एक दिन स्टेप लेने से आप प्रेसिडेंट टीम नहीं बन जाएंगे, डेली डेली आपके लाइफ में हर्बल लाइफ के कारण डेली डेली एवरी डे जो दिन आ रहा है वो एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, और डेली जो आपका दिन है उसमें आप कैसे एक्शन ले रहे हैं वो आपका फ्यूचर तय करेगा। तो ये बात मेरे को बहुत अच्छी लगी, और मैं बस वहां बैठे बैठे सारे कमिटमेंट कर रहा था, मेरी जिंदगी बदलने जा रही है, राइट, ये जो जो बताएंगे वो मैं करने जा रहा हूँ, उसके सिवाय मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करूंगा, भले मेरे को दुनिया का कितना नॉलेज है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियों में काम करते करते 40 धंधे करते करते मैं फेल हो चुका था, और फेल होने के बाद एक ही चीज सीखी थी कि मेरे को कुछ नहीं आता, अब ये जो बताने जा रहे हैं वो मैं करने जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ये लाइफ चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप लोगों ने इतने समय से हर्बल लाइफ का सिस्टम, हर्बल लाइफ में सक्सेस, लीडर्स स्टोरी और वो सब देखी है, आप में से कितने लोग डिसाइड कर चुके हैं कि अब उन स्टोरियों की तरह मेरी भी स्टोरी एक दिन आएगी? बहुत सारे लोग, तो 100% वो आपके पास आने की तैयारी हो रही है, राइट। सो आपको एक ही चीज समझनी है, उस ट्रेनिंग में एक बहुत बात मेरे को समझ में आई थी, तुम्हारी जिंदगी में होने वाले हर चीज के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। इस बात को जितनी जल्दी मान लोगे, जितनी जिंदगी उतनी ही बेहतर आपकी हो जाएगी, राइट। सो ये मेरे बात समझ में आई कि आज के बाद सारे डिसीजन मेरे होंगे,
तो उस इवेंट से निकलने के बाद मैंने पहला डिसीजन लिया था कि मैं वापस सूरत जाके सुपरवाइजर करने जा रहा हूं, बात खत्म। क्योंकि मैं ऑलरेडी कर्जे में हूं, मेरे को उस कर्जे से बाहर निकलना है। मैं डेली जो मर मर के जिंदगी जी रहा हूं, ये जिंदगी मेरे को नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जीना चाहता हूं। राइट, आप में से जहां जहां पर जो भी लोग हैं, राइट, मेरे को मालूम है ऑल ओवर इंडिया से यहाँ पर लोग बैठे हैं और 1,000 लोग यहाँ पर बैठे हैं, मतलब आज मेरे एक्सपीरियंस देने का मकसद सिद्ध होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ सब वो लोग बैठे हैं जो सक्सेस होने जा रहे हैं। राइट, तो मैं आपसे चाहूंगा चैट बॉक्स में जाके आप अपना नाम, अपने शहर का नाम, आपको कौन सा लेवल, नेक्स्ट लेवल आना है, आपको आज ही डिसीजन लेना है किस नेक्स्ट लेवल के लिए आप काम करेंगे, आप यहाँ चैट बॉक्स में डालेंगे और मैं उसको देखूंगा। राइट, और सारे लोगों को एक मोटिवेशन मिलेगा आपके मैसेज से। तो जल्दी से आप जहां पर भी हैं अपने अपने चैट बॉक्स में जाइए, अपना नाम, शहर का नाम या एरिया का नाम और आपका नेक्स्ट लेवल लिखिए उसमें। वाओ, अमेजिंग, मैंने बोला और इतने सारे लोग करने लग गए, इसका मतलब मैं 101% नेक्स्ट प्रेसिडेंट टीम्स से बात कर रहा हूँ जो लोग सुन रहे हैं मेरे को। राइट, सो इसके साथ जैसे ही मैं सूरत आया तो मेरे को पता था कि अगर मैंने डिसीजन नहीं लिया, क्योंकि ये मैंने कहीं ना कहीं साइंस में पढ़ा था, अगर आप कोई चीज सोचते हैं, दिमाग में धारण करते हैं, अगले 24 घंटे में अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो आप अपनी दुनिया में वापस चले जाएंगे। और मैं अपनी दुनिया में वापस जाने वाला नहीं था, वो कर्ज वाली दुनिया में जाने वाला नहीं था, वो भुखमरी दुनिया में जाना नहीं चाहता था, मैं अनहेल्दी दुनिया में जाना नहीं चाहता था, मैं फेलियर लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था, मैं दुख दरिद्र और कर्जे वाले लोगों के साथ रहना नहीं चाहता था, मैं चाह रहा था इन सक्सेसफुल लोगों के साथ। और मेरे पास एक ही चांस था, अगले 24 घंटे में सुपरवाइजर करना। अब सबसे बड़ी बात, 10 से 12 हजार कमाने वाले के पास पैसा तो होगा नहीं घर पे, सुपरवाइजर करने के लिए 2.5 लाख रुपया लग रहा था। राइट, तो मैंने दो चीज सीखी, मेरे खाने के लिए भी प्रोडक्ट चाहिए तो बार बार तो मैं मंगाऊंगा ना, तो अगर वही प्रोडक्ट मैं एक बार कंपनी से सुपरवाइजर में मंगा लेता हूँ, मेरे को 50% पे मिलता है, तो क्यों ना मैं उसको मंगा करके एक साथ मंगाऊ। अब दूसरा सबसे बड़ी समस्या थी कि पैसा नहीं था, पैसा कहाँ से आए, तो एक ही चीज वहां से मैं ट्रेनिंग से सीख के आया था, आपको जब जब दुविधा समझ में आए तो आप ऐसे ही करना, एक छोटी प्रॉब्लम है, एक छोटी खुशी है और एक बड़ी खुशी है, एक छोटी खुशी है, एक बड़ी खुशी है। तो छोटी खुशी क्या थी कि 12-15 हजार कमा रहा हूं, साइड में हर्बलाइफ भी कर सकता हूं। बड़ी खुशी क्या थी, अगर मैं सुपरवाइजर करके 100% दे पाया तो कल को आने वाले टाइम में दुनिया की सारी लेविस मेरे पास आने की तैयारी है। आज भले ही मेरे पास सेकेंड हैंड पैशन गाड़ी है होंडा की 16 हजार की, बट कल ऐसा हो सकता है कि अगर मैंने इसके ऊपर फोकस किया तो मेरे पास मर्सिडीज भी हो सकती है, मेरे पास अपना बंगला भी हो सकता है, फाइनेंशियली फ्रीडम भी हो सकती है, घूमना फिरना भी हो सकता है, मेरे बच्चों की, मेरे घर वालों की लाइफ भी सेटल करूं, ऐसा भी हो सकता है। तो मैं इसके लिए काम कर रहा हूं या इसके लिए काम कर रहा हूं। तो जब मैं इसके लिए काम कर रहा था तो फिर मैंने प्लान किया कि सुपरवाइजर कैसे करूं। मैंने, मेरी वाइफ ने डिसीजन लिया कि हम हमारी ज्वेलरी बेचेंगे, जो भी ज्वेलरी मेरे पास है वो हमने ज्वेलरी बेचने का डिसीजन लिया, हमने गिरवी रखी और वहां से करीब 1-1.25 लाख रुपया वहां से हमको मिला, बाकी का जो पैसा कम पड़ा वो हमने 7% ब्याज पे हमने मार्केट से लिया। इस तरीके से हमने सुपरवाइजर किया, क्यों किया, क्योंकि एक ही रीजन था, वो 30 से 35 लाख का जो कर्जा था हम उस कर्जे से निकलना चाह रहे थे। याद रखिएगा, आपकी जो तकलीफ है अगर आप निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले एक्सेप्ट करिए, सबसे पहले एक्सेप्ट करिए। आप जहां पर बैठे हैं मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर है तो आपको एक्सेप्ट करना है, हाथ उठाना मतलब है कि ऊपर वाले से आप कंप्लेन कर रहे हो, मेरे को चैलेंज है, इससे मेरे को बाहर का रास्ता दिखाओ। राइट, तो मेरे पास कर्जा था। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल से मानते हैं आपके पास कर्जा है और आप कर्जे से निकलना चाह रहे हैं? मैं आपको रास्ते बताने जा रहा हूं, यस, आप हैंड रेस कर सकते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास कर्जा है और आप इस लाइफ से निकल करके कुछ बढ़िया सी लाइफ, आप अपने मेंटर सर की लाइफ को आप जीना चाह रहे हैं? ग्रेट, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं सही लोगों से बात कर रहा हूं। तो मैंने सुपरवाइजर किया था, दो रीजन, पहला प्रोडक्ट खाना था, दूसरा सुपरवाइजर क्यों करना था, क्योंकि यहां बताया जा रहा था जिंदगी भर आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनसे कुछ ना कुछ सीखते हैं। आप चाहे पान के गल्ले की दुकान पे हैं, आप 5 रुपए का पान खा रहे हैं, वहां पर भी पान के गल्ले वाले से सीख के आ रहे हैं। और अगर आप सक्सेसफुल लोगों के साथ में हैं तो सक्सेसफुल लोगों की बातें सुन रहे हैं, वहां पर भी सीख रहे हैं। अब आपको डिसाइड करना आपको सीखना किन से है। राइट, तो मैंने डिसाइड किया मेरे को हर्बललाइफ के टॉप सक्सेसफुल लोगों से सीखना है। तो मेरे को जब मैं वहां से आया तो मेरे को पता चला कि सूरत में पहला सुपरवाइजर वर्कशॉप होने जा रहा है और वो सुपरवाइजर वर्कशॉप जो होने जा रहा है वहां पर एक ग्रेट लीडर आने जा रहे हैं
जो अपनी एज में प्रेसिडेंट टीम है, एक लेडी है प्रेसिडेंट टीम है, और उनकी इनकम मोर देन 15 लाख है। और मैंने कहा मेरी जिंदगी में, मेरे खानदान में कभी मैंने 1 लाख के ऊपर किसी को नहीं सुना, आज ये ऐसा इन्होंने क्या किया जो 15 लाख इन्होंने ये कमा रहे हैं। और अगर ये 15 लाख कमा रहे हैं तो ये मेरे को तो बता ही सकते हैं मैं 5 लाख कैसे कमा सकता हूँ आने वाले टाइम में, और इनको सुनना बहुत जरूरी है। तो मैंने सुपरवाइजर किया, जो मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा वाई क्लियर था, और मैंने सुपरवाइजर किया। सुपरवाइजर करने के बाद जब मैडम से मिला तो मैडम से मैंने एक ही चीज पूछी, मैडम मेरे को सक्सेस का मंत्र बताइए, राइट। तो मैडम ने सक्सेस के जो मंत्र बताए वो यही बताया कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आज आप क्या कर रहे हो, आज आप क्या कर रहे हो। तो मैंने कहा मैडम इसको थोड़ा सा और ब्रीफली बताइए, सक्सेस का मंत्र बताइए कि कैसे हम सक्सेस हो सकते हैं। तो उन्होंने बोला आप क्यों आए हर्बल लाइफ में। मैंने कहा मैडम मेरा एक ड्रीम है, मेरा एक बेटा है, और मैं चाहता हूँ मेरी जिंदगी जैसी गई वैसी गई, नो प्रॉब्लम, बट मेरे बेटे की जिंदगी नहीं जाने दूंगा, मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पर जिनके घर में बच्चे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे हैं? बहुत सारे लोग हैं, माय गॉड, इतने सारे लोग हाथ उठा रहे, वेरी गुड वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन। अब आप में से कितने लोग को लगता है मेरे बच्चों की सारी जवाबदारी सिर्फ मेरी है, मैं मेरे बच्चे को कमजोर नहीं रहने दूंगा, मैं मेरे बच्चे के लिए दुनिया की सारी लेविज सारी लाइफ को मैं खरीद के लेके आऊंगा। कितने लोग ऐसे हैं जो ऐसा सोचते हैं, माय गॉड, इतने सारे प्रेसिडेंट टीम से इसका मतलब मैं बात कर रहा हूँ। मैं भी जब आया था तो मैंने मैडम को यही बोला था कि मेरी लाइफ जो हुई सो हुई, मेरे बेटे की लाइफ तो मैं खराब नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक ही बेटा है जिसको मैं बहुत दिल से प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं जिंदगी जी रहा हूँ, और वो डिसीजन। तो मैडम ने बोला आज के बाद अपने बेटे की फोटो एवरी टाइम अपने पास रखो, एवरी टाइम अपने पास रखो। मैंने कहा मैडम ऐसा क्यों? बोले लिखो अपने ड्रीम में आज के बाद तुम हर्बल लाइफ किसके लिए कर रहे हो, राइट। सो आप में से बहुत सारे कुंवारे होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप हैं घर में, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, राइट, ऐसे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप ने आपके लिए इतना कुछ किया, आज आपका टाइम आया अपने माँ बाप के लिए करने के लिए, ग्रेट। अगर आप इस, आपके दिमाग में, आपके दिल में कुछ फीलिंग आ रही, कुछ हर हर आ रही है, तो लिख लेना आप सही जगह पर हो, राइट। तो आपको उनके लिए करना, तो ड्रीम ऐसा बनाओ जिसमें थोड़ा इमोशन होने चाहिए, इमोशनल ड्रीम, राइट। तो मैंने कहा मैडम इससे क्या फायदा होगा? तो बोले कि जब आप एक्टिविटी पे जाओगे, जब आप काम करने के लिए जाओगे, कई बार सुबह उठने का मूड नहीं होगा, कई बार आप जब काम करेंगे तो फेलियर होगा, तो जब जब आपका काम करने का मूड नहीं हो, फेलियर लगे, या आपका एक्टिविटी पे जाने का मूड नहीं हो, या आपको किसी ने कुछ बोल दिया और आपको इमोशनल आप बैठ गए हो कि मेरे को ऐसा बोल दिया, आपको बुरा लगे, या किसी कारण से आपको हर्बल लाइफ छोड़ने का मूड हो, तो आप इस गोल को उठा के देख लेना कि मैंने हर्बल लाइफ क्यों ज्वाइन किया था। यकीन मानना फ्रेंड्स, वो मैडम की एक बात ने अगले 2.5-3 साल में वो कर दिया जो कल्पना के बाहर था। तो जब मैं एक्टिविटी करता था तो बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, जब मैं कोई काम करने जाता था बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, साथ के लोगों के द्वारा बहुत सारे चैलेंजेस आते थे, बट एवरी टाइम मेरा गोल था, और वो गोल मेरे को याद दिलाता था कि तू हर्बल लाइफ अपने लिए थोड़ी कर रहा, तू तो हर्बल लाइफ अपने बच्चे के लिए कर रहा। और बस ये बार बार जब चीजें दिमाग में आती थी तो मेरे सारे कष्ट गायब हो जाते थे, राइट। सो आप ये देख सकते हैं, आप अपना गोल बना सकते हैं। बिफोर हर्बल लाइफ मेरा ऑप्टिकल शोरूम था, मैंने DOT किया था, डिप्लोमा इन ऑप्थाल्मिक टेक्नीशियन, राइट। उसके साथ मैं क्राइम रिपोर्टर था सूरत में, उसके साथ ये इवेंट मैनेजमेंट करता था, आप लोग इनको जानते होंगे, राइट। तो इन सब के साथ रहने के बाद भी मैं रोडपति ही था, ये करोड़पतियों के साथ भी मैं रोडपति था, क्यों? ये सब के साथ आधा घंटा, एक घंटा, दो घंटा निकलता था, तो इनसे सीखने को तो मिलता नहीं था, बट जब हर्बल लाइफ में आया तो उनके साथ मैक्सिमम टाइम निकालना शुरू किया, तो हर छोटी छोटी चीज में बहुत सारी चीज सीखने को मिली। उसके साथ कई जगह मैं पार्ट टाइम करता था, कभी इधर कभी उधर कभी उधर, पर जब हर्बल लाइफ में मैंने देखा, राइट, हर्बल लाइफ में मैंने देखा कि हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस तीनों चीजें जब यही मिल रही हैं, तो क्यों ना एक बार दिल से काम करके देख लिया जाए, राइट। सो मैंने वही किया। नेक्स्ट, उसके बाद यहां आने के बाद पता चला वी गेट पेड फॉर गिविंग सॉल्यूशन टू द मार्केट। हर्बल लाइफ के पहले तो हर बार एवरी टाइम हम रोते रहते थे, काम नहीं है, ये नहीं है, कैसे करें, वैसे करें। यहां आने के बाद पता चला कि आपको किस बात का पैसा मिलता है, आपको मार्केट का सोल्यूशन देने का पैसा मिलता है। तो आपको मालूम है हमारे पास सोल्यूशन क्या है, आज हम दुनिया की नंबर 1 कंपनी हैं इन फ्रूट प्रोडक्ट, राइट।
आज हमारे से बढ़िया न्यूट्रिशन बनाने वाली कोई कंपनी नहीं है। यकीन मानना, मैंने बहुत सारी कंपनियों में काम किया है, बट आई एम सो प्राउड कि आज हर्बल एड के आसपास में कोई दूसरी कंपनी फटकती भी नहीं है, राइट। तो आप इतनी बड़ी कंपनी में आप यहाँ पर हैं, राइट। तो आपको समझना है, आपको ज्यादा से ज्यादा सीखना है। और इसी के साथ जब मैंने जनवरी में सुपरवाइजर किया, उसी के साथ नेक्स्ट मंथ में स्पेक्टाकुलर आ रहा था, और बार बार बोला जा रहा था कि जब आप स्पेक्टाकुलर आते हैं तो विजन क्लियर होता है। याद रखिएगा, आपकी सारी सक्सेस इस बात पे डिपेंड करेगी आपके यहां पर चल क्या रहा है। बार बार जिम रॉन सर ने ये बात बोली है, व्हाट यू थिंक यू बिकम, आप जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। इसका मैं आपको कई जगह पे यहां पर प्रमाण दूंगा। मैंने एवरी टाइम जब हर्बलाइफ में आया ना, तो अपनी लिमिट से ज्यादा सोचा, अपनी औकात से ज्यादा सोचा, और ये हमारा अधिकार है, ये हमारा अधिकार है, अपनी ताकत से ज्यादा सोचना। क्योंकि जब आप ताकत से कम सोचेंगे तो कम करेंगे, कम करेंगे तो रिजल्ट भी कम आएगा। जब आप अपनी ताकत से ज्यादा सोचेंगे तो ज्यादा करेंगे, ज्यादा करेंगे तो रिजल्ट भी ज्यादा आएगा। सो आप में से कितने लोग को रिजल्ट ज्यादा चाहिए? माय गॉड, सारे लोगों को चाहिए। तो जब मैं यहाँ स्पेक्टाकुलर गया, तो यहां मैंने देखा इतने सारे लोग, अनबिलीवेबल, राइट। यहां से मेरे को एक मैसेज मिला, कामयाबी आपकी परिस्थिति नहीं देखती, वो आपका सिर्फ संकल्प देखती है। आपका क्या चैलेंज है इससे कोई मतलब नहीं है, किस चैलेंज में आप क्या डिसीजन ले रहे हो वो डिसाइड करेगा आप कितना आगे जाएंगे, कितना नहीं जाएंगे। अगेन, आपकी क्या कंडीशन है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी कंडीशन है उसमें आप डिसीजन क्या ले रहे हैं वो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाता है। तो मान लो आप में से कई लोगों का वॉल्यूम रुक रहा होगा, कई लोगों का वॉल्यूम शायद उतना नहीं हो रहा होगा जितना आप चाहते हैं, कई लोगों की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप नहीं हो रही होगी, कई लोगों की स्पॉन्सर से नहीं बन रही होगी, कई लोगों की डाउनलाइन से नहीं बन रही होगी, कई लोग काम करना चाहते हैं बट आप सही तरीके से नहीं कर पा रहे। तो ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती, मायने एक ही चीज रखती है, इतनी सारी कंडीशन के बाद भी आप डिसीजन क्या लेते हैं, राइट। कई लोगों के पास ऐसा होता होगा कई बार कि ट्रेनिंग हो रही है और ट्रेनिंग का टिकट लेने के लिए पैसा नहीं है, राइट। तो सिंपल सी बात है, आप बोल सकते हैं सर पैसा नहीं इसलिए ट्रेनिंग में नहीं आया, तो क्या होगा, फेलियर का रास्ता। बट ट्रेनिंग के लिए पैसा नहीं था, उसके बाद भी आप पैसा मांग के लाए, तो आपने वो ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाया, और क्या हो सकता है मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो ये सब होना शुरू हुआ। तो जो मैंने आपको बोला कि एवरी टाइम मैंने हर्बलाइफ में आने के बाद वो सारी चीजें करी जो मेरी औकात से ऊपर थी, जो मेरी लिमिट से ऊपर थी, जो मेरी ताकत से ऊपर थी। तो मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा कि एक बार डेविड सर आ रहे थे शुरुआत में, और मैंने मेरे स्पॉन्सर से पूछा कि सर मैं किस तरीके से क्या करूं कि डेविड सर के साथ मेरे को पर्सनल टाइम मिले बात करने का। तो उन्होंने बोला अगर तुम हाई वॉल्यूम करोगे तो डेविड सर के साथ तुमको मौका मिलेगा। एट दैट टाइम आई वॉज सुपरवाइजर, राइट। क्योंकि 2014 जनवरी में आप देख रहे हैं, ये 2014 की जनवरी में मैंने सुपरवाइजर किया, फरवरी में आप देख रहे हैं, और मार्च में ऐसा टाइम आया कि जब डेविड सर से स्पेशल टाइम लेने के लिए मैंने 24,545 पर्सनल वॉल्यूम किया, राइट। 24,545 पर्सनल वॉल्यूम, और मेरे को नहीं मालूम था, मेरा तो मकसद था कि डेविड सर का मैक्सिमम टाइम मेरे को मिले, क्योंकि मेरे को आगे बढ़ना है। और इसके लिए क्योंकि सर कई लोगों ने 10,000 किया था, 12,000 किया था, बट मैं पहला था जिसके साथ डेविड सर ने 15 मिनट टाइम दिया, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। तो मैं आपको यहां पर एक बात बताना चाह रहा हूं कि जब जब आपको सक्सेसफुल लोगों के साथ क्वालिफाई होने का मौका मिले, तो दुनिया के सारे काम छोड़ के पहले क्वालिफाई करना। ये टाइम आपके आराम करने का नहीं है, ये टाइम आपके सोने का नहीं है, ये टाइम आपके रुकने का नहीं है, ये टाइम आपके क्वालिफाई करने का है। अगर आपको लगता है कि अगला प्रेसिडेंट ही मैं हूं, अगला व्यक्ति मैं बनने जा रहा हूं, तो आपको करना है। तो ये आप देख सकते हैं तीसरे ही महीने में, राइट। तीसरे ही महीने में कई बार हमारा 2500 करने में उतना नहीं हो पाता, हमें 5000 करने का कॉन्फिडेंस नहीं रहता, बट तीसरे ही महीने में जब मैं हर्बल एड के बारे में जानता नहीं था, तब ये 25,000 वॉल्यूम पॉइंट अप्रोक्स हुआ, राइट। तो क्यों हुआ? क्योंकि मैंने अपनी ताकत से ज्यादा प्लान किया था, मैंने 35,000 पर्सनल करने का प्लान किया था, तो हुआ। अगेन जिम रॉन सर की वो बात फिर से प्रूफ होती है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। मेरे को वो भाई क्लियर था कि नंबर वन वॉल्यूम करना है तो करना है, और बाद में मेरे को पता चला जब डेविड सर आए कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आप इंडिया के नंबर वन टॉप वॉल्यूम प्रोड्यूसर बने, राइट। तो हमने नंबर वन बनने के लिए काम नहीं किया, हमने इसलिए काम किया कि डेविड सर के साथ कुछ भी करके मेरे को वो टाइम चाहिए, 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 मतलब चाहिए। तो जब आप ऐसा पागलपन लाएंगे तो लिख लीजिएगा, सक्सेस आपके आसपास में ही है, राइट। और एवरी टाइम एवरी क्वालिफिकेशन आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आई है।
और ये हमने करना शुरू किया, उसके बाद तो लाइफ बदल गई, पार्टी इंजॉयमेंट ये सब होना शुरू हो गया। एक दिन ऐसा भी आया जो हमारे आज चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, राइट, उनके साथ मुलाकात करने का मौका आया। जब आप सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं ना, यू कांट बिलीव ये क्या सोचते हैं, और आज इनकी लाइफ इनके सोचने का ही रिफ्लेक्शन है जो इनके दिमाग में चल रहा है, राइट। तो जब आप उनसे मिलेंगे यू विल फील कि वी आर सो प्राउड कि आज हम कहां पर हैं, राइट। तो इस तरीके से लाइफ बदलने लग गई। एक ही चीज हमें समझ में आया, वी आर इन मिशन, हम बिजनेस में नहीं है, हम मिशन में है। और जब आप किसी चीज को मिशन लेकर के चलते हो तो बड़े से बड़े बिजनेस भी पीछे रह जाते हैं और आपको आइडिया भी नहीं कहां पर पहुंच जाते हो आप, राइट। सो जब मैं आया था, मैं ऑलरेडी बहुत सारे काम कर चुका था। यहां आने के बाद एक ही मिशन था, चेंजिंग पीपल्स लाइफ, राइट। 30 कस्टमर बनाना हमारा काम था, राइट। थोड़ा सा बैक आएंगे, राइट। आप देख रहे हैं, मैं जहां पर भी जाता था, हमने ट्रेनिंग में यही सीखा था, जहां पर भी जाता था 3 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति आता था मैं उससे बात करता था। एक ही काम था मेरा, कोई दूसरा काम नहीं। जो भी मिल रहा है, राइट, जो भी मिल रहा है, मैं रास्ते में जा रहा हूं, अगर पैदल जा रहा हूं तो जो भी मिल रहा है मैं देते हुए जाऊंगा। मैं क्लब बंद करके अगर एक्टिविटी पे जा रहा हूं तो देते जाऊंगा। एक्टिविटी खत्म करके घर पे आ रहा हूं तो भी मैं इन्विटेशन देते आऊंगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में आपने चरणजीत सर को क्या सुना था बोलते हुए, कस्टमर ही हमारी पहचान है, कस्टमर ही हमारी निशानी है, कस्टमर ही हमारा सक्सेस पॉइंट है। तो मैं जहां पर भी जाता था वहां कस्टमर को इन्वाइट करके आता था, राइट। डेली का मेरा वो होता था कि जब मैं क्लब पे जाऊंगा कल, तो आज मैं कम से कम 10 लोगों को मिलूं जिसमें से 5 लोग कल के लिए आने चाहिए। और 5 लोग को जब मैं बात करता था तो उसमें 1 या 2 लोग डेली क्लब पहुंचते थे, चेकअप कराते थे। तो इस तरीके से जहां पर भी जाऊं, चाहे मैं स्टेशन पे हूं, चाहे जहां पर भी हूं, 30 कस्टमर का हमारा टारगेट रहता था। अब आप में से कई लोग बोलेंगे, सर यहाँ 2 नहीं बन रहे हैं, 5 कस्टमर नहीं बन रहे हैं, आप 30 कस्टमर की बात कर रहे हैं। यस ऑफ कोर्स, जब भी हम हमारा टारगेट नीचे करते हैं ना तो वो हमारा रिजल्ट और नीचे आ जाता है। तो टारगेट ऊपर करिए ना, 30 कस्टमर कितनी बड़ी बात है आप मेरे को बताइए। अगर आप रेगुलरली बुक में नोट करिए, रेगुलरली अगर आप 10 लोगों को डेली टारगेट कर रहे हैं तो महीने में कितने लोग हुए, 300 लोग हुए। 300 लोगों में अगर आप सीख गए बात करना तो सवाल ही नहीं उठता कि 30 कस्टमर ना बने आप, सवाल ही नहीं उठता, राइट। बट कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में लूज हो जाते हैं, हम सोचते हैं यार कर तो रहे हैं, होगा कि नहीं होगा। देखो जब आपका क्वेश्चन गलत है तो आंसर भी गलत ही आएगा, राइट। बट जब आप बोलोगे कुछ भी करके मेरा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मैं तो करके ही आऊंगा, तो आपको नहीं मालूम है यूनिवर्स उस समय आपके साथ उतर आता है कि यार ये इतना जिद्दी है, अब इसका तो कस्टमर बनाना ही पड़ेगा। तो जब आप उसको करते हैं तो आपका रिजल्ट भी आना शुरू हो जाता है, राइट। तो आपको इसको समझना है कि किस तरीके से डेली का डेली आपको काम करना है, उसके ऊपर एक्शन करना है, राइट। मैं आपको यहां पर 5 चीजें, मैं स्टोरी आगे बढ़ाऊं, मैं आपको 5 चीजें और बताते चलता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राइट। वो 6 बातें जो मैं सबसे ज्यादा ध्यान रखता था ड्यूरिंग दिस पीरियड। सबसे पहला सेल्फ रिजल्ट एवरी टाइम। आपका रिजल्ट वाओ रिजल्ट होना चाहिए, राइट। जैसा मैंने दिखाया, पहले क्या था अब क्या था, तो दुनिया चाहती है वो रिजल्ट। बट लोगों को आज इतनी सारी उल्टी सीधी कंपनियां भ्रमित करने वाले लोग आ गए कि उनको ट्रस्ट नहीं रहता। बट आपको भी मालूम है, हर्बल लाइफ प्रोडक्ट जिसके पेट में 10 दिन गया प्रोडक्ट बोलना शुरू करता, हमें कम बोलना पड़ता है, प्रोडक्ट ज्यादा बोलता है, राइट। तो ट्राई करिए कस्टमर को क्लब पे लाने का, या आपका अगर सुबह मॉर्निंग में BTC आ रहा है तो इस समय इससे बढ़िया टाइम ही नहीं हो सकता। आज जो BTC चल रहा है, आप देख तो रहे पूरे इंडिया में क्या धमाका मचा हुआ है, कितने सारे एक एक महीने में वर्ल्ड टीम, गेट टीम, मिल टीम, प्रेस टीम, आप देख तो रहे ना, जो अभी तक नहीं हुआ, पिछले 20 सालों में इंडिया में नहीं हुआ, वो ड्यूरिंग द लॉकडाउन हो गया, जस्ट बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ जूम, द पावर ऑफ सोशल मीडिया, राइट। कि हमें ब्रांड न्यू चेयरमैन भी मिल गया इंडिया की, राइट। तो एवरीथिंग, दिस इज द टाइम। मैं तो एक ही चीज कहूंगा, जो इस टाइम को कैश नहीं कर पाया तो फिर आप प्लान करिए फिर और कौन से टाइम का इंतजार कर रहे हैं, राइट। तो आपको अगले 3 महीने लग पड़ना है जो भी हो, और ये मैं सारी बात जो बता रहा हूं इसका रिजल्ट लास्ट में दिखेगा आपको, राइट। तो सेल्फ रिजल्ट, वाओ रिजल्ट आपका होना चाहिए। दूसरा, जब आप काम कर रहे हैं ना तो लगातार 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 पैशन से काम करना है। कर सकते हैं, लगातार पैशन से काम करना है, ओके। सो आपको इसको समझना है। इसके साथ में आपको क्या करना है, फॉलो योर एक्टिव स्पॉन्सर। जो आपके एक्टिव स्पॉन्सर हैं उनको एवरी टाइम फॉलो करिए, एवरी टाइम, राइट। वो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं आपको सुनना है, समझना है। और एक्टिव स्पॉन्सर को ज्यादा फोर्स नहीं करने दीजिए। एक्टिव स्पॉन्सर ने बोला 1 लाइन और आपने पूरी रामायण समझ ली। आपको इस तरीके से काम करना है। अगर आप ये कर रहे हैं तो 100% होगा। उसके साथ क्या नाम कहते हैं, आपको कोई भी ट्रेनिंग
कोई भी वो मिस नहीं करनी है एनी ट्रेनिंग, क्योंकि आपको नहीं मालूम ये ट्रेनिंग ही सबसे आगे आपको लेकर के जाने वाली है आने वाले टाइम में, राइट। उसके साथ डोंट बी इमोशनल, कई लोग इमोशनल हो जाते हैं, कई लोग छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं इमोशन के बारे में आपको एक ही चीज कहना चाहता हूँ, इमोशन जस्ट एक कुकर की तरह है। कुकर, कुकर में भाप होती है ना, कुकर में भाप होती है, भाप क्या काम करती है, चावल को पका देती है। बट जब वो भाप ज्यादा हो जाती है तो क्या करती है, कुकर के चिथड़े उड़ा देती है। तो इमोशन कई बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है, इमोशन को अगर आपने सही तरीके से प्रयोग किया तो आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा। बट माय फ्रेंड्स, कई बार हमने इमोशन का गलत लाभ उठाने वालों को हमने हर्बलाइफ से बाहर जाते भी देखा है। तो आपका इमोशन होना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, पैशन के लिए तो उसके बगैर हो ही नहीं सकता, बट इमोशनल अंडर कंट्रोल होने चाहिए आपके एवरी टाइम, राइट। और वर्क फॉर, इफ यू आर एसोसिएट, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा नेक्स्ट लेवल के लिए प्लान करें। आपका नेक्स्ट लेवल क्या है आपको मालूम होना चाहिए। अगर आप एसोसिएट हैं तो आप नेक्स्ट लेवल आपका सुपरवाइजर के लिए प्लान करिए, क्योंकि सुपरवाइजर वो लेवल है जहां पर बड़े लेवल की सुपरवाइजर वर्कशॉप, सुपरवाइजर स्कूल, ऐसी ट्रेनिंग आती है जो मेरी तरह आपकी भी लाइफ बदल सकती है, राइट। जब मैं पहली बार सुपरवाइजर वर्कशॉप में मैडम से मिला था, गेस्ट स्पीकर से, उन्होंने बोला था अगर लगातार 3 साल 4 साल आप एक भी ट्रेनिंग मिस करे बगैर सारी ट्रेनिंग को सुनते चले गए, आते चले गए, सीखते चले गए, मिस्टर तिवारी मैं गारंटी के साथ कहती हूँ एक दिन ऐसा आएगा जब मैं और आप राउंड टेबल पर बैठेंगे तो हम जिस दुनिया से आए थे हमें विश्वास नहीं होता, ऐसा कैसे हो सकता है मैडम ऐसा बोल रहे हैं, राइट। बट मैंने एक ही चीज सोची, मैडम बोल रहे हैं तो फिर मैं क्यों नहीं विश्वास करूं, अगर मैडम विश्वास कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं करूं, जो मैडम ने बोला वो मैं करके दिखाऊंगा। रिजल्ट के बारे में अभी हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते, अभी तो हमें एक्शन लेना है। तो मैंने उसी के ऊपर काम करना शुरू किया, राइट। और वो करने के साथ में मैंने अपने नेक्स्ट लेवल के लिए प्लान किया। तो मैं कहूंगा जितने भी एक्टिव एसोसिएट हैं, आपका नेक्स्ट लेवल सुपरवाइजर आप प्लान करिए, आज कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, अपने स्पॉन्सर से मिलिए और उनसे बात करिए, राइट। और सुपरवाइजर करना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना, मैंने आज तक कोई प्रेसिडेंट टीम नहीं देखा। आप में से कितने लोग जाना चाहते हैं ड्रीम लेवल पे, मैंने आज तक ड्रीम लेवल पे जाने वाला कोई ऐसा प्रेसिडेंट टीम नहीं देखे जिन्होंने सुपरवाइजर ना किया हो। तो अगर आप वो ड्रीम देख रहे हैं तो सुपरवाइजर तो करना वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको समझना। उसके साथ में वर्क फॉर योर नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल आप सुपरवाइजर है तो आपका नेक्स्ट लेवल कौन सा है, वर्ल्ड टीम। अगर आप वर्ल्ड टीम है तो अगला लेवल कौन सा है, गेट टीम। अब गेट टीम 3 महीने में होता है, राइट। बट आप प्रयास करिए 3 महीने का जो पहला महीना है वो कब स्टार्ट होने जा रहा मेरा, राइट। इस महीने से करूंगा, अगले महीने से करूंगा, करूंगा क्यों, आपको नेक्स्ट लेवल सोच रहे हैं, क्योंकि जब आप गेट टीम के बारे में सोचेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि गेट टीम के लिए करना क्या क्या है। क्योंकि याद रखिएगा हर्बलाइफ में मिरेकल कुछ नहीं होगा, जो भी होगा वो मिरेकल से भी बड़ा होगा, बट आपके एक्शन के बाद होगा। आपको आइडिया आ रहा है, ग्रेट। सो आपको उसको समझना है, राइट। ये कुछ रिजल्ट हैं जो मैंने आपको बताए थे, ये मेरे मामा जी हैं जिनको मैं आज तक नहीं मिला, बट जूम के द्वारा मैं जब इनको मिला मैंने इनको प्रोडक्ट दिया और इन्होंने बोला मेरी कंडीशन खराब है, मैंने कहा आप ये नाश्ता करना शुरू करिए, आपको सरप्राइज होगा, मजा आएगा, मैं फॉलो करूंगा और मैं फॉलो अप दूंगा, आपको रिजल्ट देखना है उसका, राइट। उन्होंने देखा 2 महीने में 10 kg वेट लॉस किया और ऐसे 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 हुए, राइट। ये पटना में है, आज SSB में है। उसके साथ में, राइट, ये मैडम आए थे, ये कुछ इस तरीके के थे और इन्होंने 32 kg अब तक वेट लॉस किया है और ऐसे 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 हुए हैं, आपके सामने है, राइट। आप सबको मालूम है हर्बल एक प्रोडक्ट क्या क्या कर सकता है, कैसे कैसे रिजल्ट ला सकता है। वी ऑल आर हियर जस्ट बिकॉज ऑफ रिजल्ट, राइट। मैं एक और रिजल्ट दिखाने जा रहा हूं, मेरा मानना है कि ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन का अब तक का सबसे बड़ा रिजल्ट है, राइट। एक व्यक्ति जो आए थे वो कुछ इस तरीके के थे, 142 किलो वजन था, हमने ये न्यूट्रिशन को दे करके हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल के साथ उनको फॉलो अप देते हुए, राइट, विद इन 1 ईयर 10 किलो नहीं, 20 किलो नहीं, 30 किलो नहीं, 40 किलो नहीं, 50 किलो नहीं, 60 किलो नहीं, अब तक पूरा 65 किलो वेट लॉस कराया है और वो आज कुछ इस तरीके के दिखते हैं। दिस इज द पावर ऑफ अवर प्रोडक्ट्स। आप आइडिया लगा सकते हैं हम किस कंपनी में आए हैं, राइट। और ये सारी चीजें मैंने सबसे पहले विश्वास कर ली थी, क्योंकि वी हैव द टॉप लेवल ऑफ साइंटिस्ट इन हर्बलाइफ प्रोडक्ट, इन हर्बलाइफ सिस्टम। वी हैव द टॉप डॉक्टर्स ऑफ द वर्ल्ड इन हर्बलाइफ सिस्टम, राइट। तो जिस कंपनी के पास इतना बड़ा बेस होगा, आपको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब जब ये होने लगा
लगा तो मेरे को तुरंत समझ में आया कि इसके पहले कपड़े का व्यापार किया, कपड़े की नॉलेज नहीं थी और वहां बातें बड़ी बड़ी होती थी, लाखों की साड़ी बिक गई, करोड़ों की साड़ी बिक गई, हमारा एवरी टाइम जो डॉक्यूमेंट था वो माइनस ही दिखता था। तो मैंने कहा ये सक्सेस की जगह तो है नहीं, राइट। उसके साथ जो इंश्योरेंस का काम किया, दुनिया का लाखों का इंश्योरेंस कर दिया बट अपना कभी इंश्योरेंस नहीं कर पाया, अपने पास इतना पैसा भी नहीं होता था, राइट। बट उसके साथ में ऐसी जितने और धंधे किए वो सारे धंधों में अपना कभी कुछ नहीं हुआ क्योंकि कभी कोई बताने वाला था ही नहीं। बट जब ये सब चीजें देखी मैंने कहा अगर मेरा हो सकता है तो मैं तो दुनिया का कर सकता हूं। अगर दुनिया को मैं हेल्दी बनाने में, फिट बनाने में मदद कर सका तो मेरी वैल्यू लगेगी और वैल्यू का ही पैसा मिलेगा। जो जिम रॉन सर बोलते हैं आपको मालूम है ना कि आपके काम का पैसा नहीं मिलता। अगेन आपको ध्यान रखना, अगर आप बोल रहे हैं हर्बल लाइफ ज्वाइन कर लिया, मैंने कर लिया और मैं टाइम दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, तो याद रखना आपके काम का पैसा नहीं मिलता। आपने जो काम किया उस काम से जो वैल्यू बनी उसका पैसा मिलता है। और आपको मालूम है एक सुपरवाइजर जब काम करते हैं तो 10 से 15 हजार 20 हजार के भी चेक आते हैं। सेम वर्ल्ड टीम जब काम करते हैं तो उनकी सुपरवाइजर से वर्ल्ड टीम वैल्यू बनी और वर्ल्ड टीम वैल्यू बनने के बाद वर्ल्ड टीम को 40 से 50 हजार 60 हजार के चेक भी आते हैं। उसी के बाद जब वो गेट टीम बनते हैं, गेट टीम बनने के बाद राइट एक गेट टीम को 1 से 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख के चेक आते हैं क्योंकि उनकी वो वैल्यू बन चुकी है। अब वो ना सिर्फ अपने पर्सनल के लिए काम कर रहे हैं बल्कि अपनी टीम को संभाल रहे हैं, अपनी टीम में लोगों को डेवलप कर रहे हैं, तो वो गेट टीम एक वैल्यू बनी जहां पर उनको वो मिल रहा है, राइट। एंड सेम इसी तरीके से अगले लेवल जो मिलेनियर टीम है, राइट, आज उनके अंडर में कितनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, राइट। तो आप समझिए आपको वैल्यू का पैसा मिल रहा। तो एवरी टाइम मैंने शुरुआत से ही नेक्स्ट लेवल की बात क्यों करी कि चेक करिए आप कहां पर थे और कहां पर पहुंचने वाले हैं, राइट। अगर आप ये करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग को बताने की जरूरत नहीं है, यू ऑल आर सो लकी, आपकी टीम में एक से एक लीडर्स हैं यहाँ पर, राइट, और जिन लोग के साथ में आप सीख भी रहे हैं। तो मैं इतना ही कहूंगा अगर आप उनको कायदे से समझ पाए, सीख पाए, सो आप भी आगे बढ़ेंगे, राइट। ये मेरे पहले एसोसिएट हैं, ये पहले एसोसिएट हैं जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था। अब मैं आपको सरप्राइज बताऊं, मैंने इनको सुपरवाइजर करने के लिए बुलाया था। ये बैंक में काम करते थे और कोटक महिंद्रा बैंक में थे और मैंने इनको बुलाया था लोन लेने के लिए। मैं सोचा शायद ये 2 लाख का लोन करा देंगे तो मेरा सुपरवाइजर का पैसा आएगा, मैं लोन से पैसा लूंगा, सुपरवाइजर करूंगा और आगे बढ़ूंगा। बट जब इन्होंने मेरी कंडीशन देखी तो आप इन्होंने बोला आपके हाथी के दांत खाने के कुछ और है, दिखाने के कुछ है, आपके पास कुछ है ही नहीं तो लोन होगा किस पे, राइट। बट इनको मैंने बात बात में बोला, मैंने कहा भाई हम इस कंपनी में जहां हम रिजल्ट लाते हैं, हम लोगों को अच्छी सेहत दे रहे हैं और आप भी एक अच्छा नाश्ता, बेहतरीन नाश्ता करके अपनी सेहत बना सकते हैं। इन्होंने ज्वाइन किया और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद जब इनका 18 kg फैट लॉस हुआ, उस समय कोटक महिंद्रा बैंक में बड़े पद पे थे, 15,000 की जॉब थी इनकी। बट इन्होंने जब 18 kg वेट लॉस किया, लोगों ने पूछना शुरू किया, ज्वाइन करते करते आज वो इस कोरोना के बाद गेट टू फाइव है, जल्दी मिल्टी बनने की तैयारी में है। कोरोना के बाद रिसेंटली 2 महीने पहले अपनी 15 लाख की कार निकाल पाए, आप आइडिया लगा सकते हैं, पावर लगा सकते हैं, राइट। ये ऐसे लोग हैं, आज इनकी टीम में जाने कितने सारे लोग हैं जिनके बारे में बात करूंगा, राइट। मैं आपको अगर बात करूं, यू ऑल आर लकी, आपकी टीम में एक से एक लीडर्स हैं, राइट। अभी बात हो रही थी विजय सर से कि आपकी टीम में रिसेंटली ब्रांड न्यू मिलेनियर टीम बने, राइट, प्रकाश चोटिया जी, अनबिलीवेबल। मैं चाहूंगा एक बार क्लैप करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको वो हेल्प कर रहे हैं, राइट, उन्होंने अपना लेवल पाया है। उसी के साथ में अगर मैं बात करूं, पद्मराम दूरजी जी हैं, मिल टीम है, राइट, वी आर सो लकी, आप उनसे सीख सकते हैं। उसके साथ में बीएल पाटवा जी है, 75 लेवल पे जल्दी प्रेसिडेंट टीम बनने की तैयारी में है, मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैप करेंगे, राइट। उसके साथ में हनुमान छड़ंग जी, अभी आपको मालूम है प्रेसिडेंट टीम बने हैं, राइट। ये सारे लोग हैं आपके पास सीखने के लिए। अब सवाल एक ही है, आपका फोकस इनके ऊपर है या कहाँ है? क्योंकि हमने एक ही चीज सीखी थी, आपके यहाँ जो सक्सेसफुल लोग हैं एवरी टाइम आपकी नजर उधर ही होनी चाहिए। आपको किनके जैसे बनना, उनकी उनके ऊपर नजर होनी चाहिए। किनके जैसे चेक चाहिए, उनके ऊपर नजर होनी चाहिए, राइट। तो आपको समझना है, और अगर आप सब चीज इसी तरीके से करेंगे तो बहुत सारी चीजें आपके पास इजीली आनी शुरू हो जाएंगी, राइट। तो चेंजिंग पीपल्स ऑफ लाइफ में आप देख सकते हैं, ये वन मोर रिजल्ट है। ये जब आए थे तो पढ़े लिखे नहीं थे, बट इनका एक ही डायलॉग था कि कोई ऐसा मेला नहीं बचा जिसमें मैंने ठेला नहीं लगाया, राइट। मिस्टर तनवीर अली, बहुत बड़ा चेंज इन्होंने अपने अंदर लाया। प्रोडक्ट खाने के बाद इन्होंने 16 kg वेट लॉस किया और करते करते आज वो पिछले लाइफ खत्म हो गई है, आज वो गेट टू फाइव है,
राइट, रिसेंटली अपनी i20 खरीदी है और जल्द ही मिलेनियर टीम बनने की तैयारी में है। तो आपको एक चीज समझनी है, अगर आप नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको खुद को तो डेवलप करना ही है, आपकी टीम में लोगों को डेवलप करना है। अगर आपके द्वारा आपके लोगों की लाइफ बदल रही तो 100% आप आगे जाएंगे। क्या कर सकती है हर्बललाइफ, मैं कुछ आपको लाइन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। राइट, ये जो पहली फोटो आप देख रहे हैं ये वॉचमैन थे, और वॉचमैन थे, सेहत बहुत खराब थी, मेरे पास आए थे प्रोडक्ट यूज करने के लिए, वजन बढ़ाना था, मैंने इनको प्रोडक्ट खिलाना शुरू किया और वॉचमैन ही से जैसे तैसे। अभी आप में से कई लोग बोलते हैं, आप लोग को रिप्लाई देते होंगे, सर प्रोडक्ट महंगा है, सर प्रोडक्ट ये है, प्रोडक्ट वो है। दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। राइट, महंगा और सस्ता तभी लगता है, महंगा तो आलू भी लगता है। राइट, क्या करिएगा, महंगा तो आलू भी है और महंगा प्रोडक्ट भी है, बट महंगा प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट की जो वैल्यू है जिससे जिंदगी बच रही लोगों की, राइट, तो उनको नहीं मालूम, तो उनको ऐसा ही लगेगा। तो आपको समझना है, जब ये आए इन्होंने प्रोडक्ट आना शुरू किया, मैंने इनको बोला कंसिस्टेंसी अगर 3 महीने खाओगे तो मैं आपको बहुत अच्छी सेहत दे पाऊंगा, मैं आपको बढ़िया रिजल्ट दे पाऊंगा। तो जैसा बोला वैसा किया, अगले 6 महीने में 12 kg वेट गेन किया। मेरे को नहीं पता कैसे किया क्या किया, बट हर आदमी जिसको कहीं पहुंचना होता वो रास्ता ढूंढ ही लेता है। और उन्होंने वॉचमैन की लाइफ से छोड़ करके इस लाइफ को अटेंड किया, सुपरवाइजर किया, वर्ल्ड टीम किया, गेट टीम किया, और आज वही जो 7,500 रुपया कमाने वाला जो वॉचमैन थे, आज वो 2.5 lakh rupees का चेक है, गेट टू 5 है, अपने i20 से चलते हैं। दिस इज द फ्यूचर। राइट, ये फ्यूचर है उन लोगों का जिन्होंने कभी ज्वाइन किया था। कुछ भी मिरेकल नहीं होगा, अगेन आपको बोल रहा हूँ, कुछ भी मिरेकल नहीं होगा, आपको उतरना पड़ेगा, आपको लगना पड़ेगा। जो व्यक्ति दिल से जितना लगा, जिसने जितनी जवाबदारी ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वो उतना आगे बढ़ेगा। राइट, वन मोर, यस, ये आप देख सकते हैं, वन मोर पर्सन दिल्ली में जॉब करते थे, 12,000 की जॉब कर रहे थे, हालत आप पहले वाली देख सकते हैं कैसी थी, और हर्बललाइफ में आने के बाद देखिए क्या ट्रांसफॉर्म हुआ। राइट, और वेट गेन किया, आज अच्छी पोजीशन पे है, गेट टीम है, रिसेंटली अपना क्लब खोला, क्लब खोल के लोगों की मदद करी, आज एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, खुद गेट टीम है, अभी रिसेंटली अपनी कार लाई। मेरे को तो लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारी इस बार कोरोना में रिकॉर्ड तोड़ा है। राइट, 1 दर्जन से ज्यादा लोगों ने सिर्फ कार निकाली है, क्या करें, तो हम ये करते हैं। राइट, तो आप भी समझ सकते हैं आप क्या सोच रहे हैं, वो मिलेगा आपको। और आज उनके अंडर में बहुत सारी टीम है, ये देख सकते हैं, ये उदयपुर से है, चाय पत्ती बेचते थे, 12 से 15 हजार कमाते थे, बट जब हर्बललाइफ में आए तो आने के बाद इन्होंने सिस्टम देखा, इन्होंने कम्युनिटी देखी, इन्होंने उसको ज्वाइन करने की कोशिश करी, यार ये कितने अच्छे लोग हैं, एंजॉय कर रहे हैं, लाइव कर रहे हैं, और आप जो चाहते हैं वो हो सकता है। सवाल एक ही है, चाहते क्या है पहले उसको चेक करिए। राइट, तो इन्होंने हमको ज्वाइन किया, सुपरवाइजर किया, वर्ल्ड टीम किया, और शुरुआत के ही 13 महीने में फास्टेस्ट मिलेनियर टीम का रिकॉर्ड तोड़ा। आज वो मिलेनियर टीम है। राइट, उनके अंडर में बहुत सारी टीम है, जाने कितने गेट टीम है। वन मोर रिजल्ट आपको बता रहा हूँ, ये सब मैं फ्यूचर बता रहा हूँ, कि हर्बललाइफ का हाथ जिन जिन लोगों ने पकड़ा है और 100% डिवोट होकर के सीखने की कोशिश करी है, वो कहां से कहां आ सकता है। ये जब आए थे ये ऑटो रिक्शा चालक थे, 10 से 12 हजार कमाते थे, बट उस लाइफ से बाहर निकलना चाह रहे थे, और एक दिन मेरे पास आए क्योंकि वेट लॉस करना था। हर्बललाइफ में आने के बाद इन्होंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, प्रोडक्ट खाकर सरप्राइजिंगली वेट लॉस किया, हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल इंजॉय करी, इनको लोगों ने पूछना शुरू कर दिया। और वो जो बोलते थे कि मेरे खानदान में किसी ने कभी कार नहीं खरीदी थी, हर्बललाइफ में आने के बाद खुद मिलेनियर टीम बने, और आज इनकी कार है, आज भारत के कई राज्यों में अपने बिजनेस को लेकर के दौड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और आज वो ऐसी पोजीशन पे है। राइट, तो जो भी लोग आज ज्वाइन कर रहे हैं, जो भी लोगों ने ज्वाइन किया है, आप आइडिया लगा सकते हैं, आज वो मिलेनियर टीम है तो कल 100% प्रेस टीम भी होंगे। राइट, वन मोर पर्सन, 21 किलो वेट लॉस किया, पैसे के लिए नहीं आए थे, ऑलरेडी करोड़पति थे, सब कुछ सेटअप था, बट सेटअप के बाद जो क्वेश्चन था वो सबसे बड़ा विकट क्वेश्चन था। उन्होंने एक ही चीज बोली कि कपड़े मार्केट में मेरी 3-3, 4-4 के शोरूम है, बट सेहत तो चली गई, और ये पैसे का मैं करूंगा क्या अगर मैं ही नहीं रहा तो। और बहुत बढ़िया भाई, उनका क्लियर था, वो आए, उन्होंने प्रोडक्ट खाना शुरू किया, 21 किलो वेट लॉस किया, लाइफ को ऐसी से ऐसी किया, और आज वो उदयपुर में है। अभी जो पहले मिलेनियर टीम बताए थे वो इनकी डाउनलाइन में है। राइट, आज इनकी टीम में कम से कम 2 दर्जन गेट टीम और गेट टू 5 है, 1 मिलेनियर टीम है। राइट, और आज कितने सारे लोगों की लाइफ बदल दी, इंडिया के कई राज्यों में बिजनेस चल रहा है, और ये सारे लोगों का बिजनेस किसके अंडर में है, किसकी टीम में है, वो जो पंकज मिश्रा सर मैंने वॉचमैन दिखाए थे उनकी टीम में है, वो इनको लेकर के आए थे। तो आप आइडिया लगाइए आज क्या पोजीशन है और आपका कल क्या होने जा रहा है। राइट, यस, अभी उन्होंने अपनी डिस्कवरी निकाली 75 लाख की। अच्छा लगता है
कि कभी मैंने शुरुआत करी थी, कभी मैंने ज्वाइन किया था एक मकसद के साथ, और आज इतने सारे लोगों का विजन हो पा रहा है, राइट। वन मोर, एक और स्टोरी है, हम लास्ट की तरफ चलेंगे और आप इस स्टोरी को आइडिया लगा सकते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत करी थी तो 10,000 की जॉब करते थे। जब मेरे को मिले कि सर मेरे को भी यहाँ पर कुछ करना है, हर्बलाइफ में मैं भी बिजनेस करना चाहता हूँ, तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, क्यों करना चाहते हो पहले ये बताओ। तो उन्होंने बोला मेरे माँ बाप हैं, उनका मैं अकेलौता बेटा हूँ, हमारे माँ बाप ने बहुत कुछ किया और मैं चाहता हूँ मेरे पापा को मैं कार गिफ्ट करूँ, ये सब करूँ, बट मेरे 10,000 की जॉब में वो सब पॉसिबल नहीं है, तो मैं इसके लिए इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली कि ये बिजनेस से अलग चीज है, पहले आपको इसको यूज करना पड़ेगा, आपको फील करना पड़ेगा, आप आइए खाइए अपना रिजल्ट लाइए और फिर हमको बताइए आप क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही किया, प्रोडक्ट खाना शुरू किया, 17 kg वेट गेन किया, वेट गेन करना था, राइट। करते करते उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लोगों को मदद करना शुरू किया, पहली बार लाइफ में पहला ड्रीम पूरा हुआ, 6.5 लाख की अपने मम्मी पापा को कार गिफ्ट करी, राइट। दूसरा, लास्ट ईयर उन्होंने अपने फादर को 50 लाख की जगुआर गिफ्ट करी, राइट। एंड टुडे ही इज मिलियनेयर टीम मेंबर। आज मैं सोचता हूँ कि अगर ज्वाइन नहीं किया होता और पिछली लाइफ में रहते तो क्या होता, अभी 5 साल बाद क्या हो रहा होता, 10,000 का 20,000 तो नहीं आता, आपको भी आइडिया है ना। तो आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि क्या होने जा रहा है, क्या पॉसिबिलिटी है। ये जो चीज दिखा रहा हूं, आप में से जाने कितने लोग होंगे जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, और कोई बड़ी बात नहीं, अगले 2 साल में आप इससे भी बड़े लेवल पे पहुंच सकते हैं, राइट। एवरीथिंग डिपेंड व्हाट यू थिंक यू बिकम, राइट। और अभी हमारे ब्रांड न्यू है, मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा स्टोरी। आज से 5 साल पहले जब आए थे तब आइसक्रीम का ठेला लगाते थे, और आइसक्रीम का ठेला लगा करके भी कंडीशन ऐसी होती थी, हैंड टू माउथ खाने के लिए भी नहीं होता था। और एक दिन जब हमको मिले तो हमने उनको बोला कि आपका वजन इतना बढ़ गया है, एक तो वैसे ही पैसा नहीं है और दूसरा कोई तकलीफ आई तो पैसा कहाँ से लाओगे, तो आप इसको प्रोडक्ट खाओ, प्रोडक्ट खाना शुरू करो। उन्होंने खाना शुरू किया, अच्छा खासा वेट लॉस किया, राइट, 18 kg वेट लॉस किया। वेट लॉस करने के बाद उन्होंने ज्वाइन किया हर्बललाइफ, और ज्वाइन करते करते आज उनका इतना बड़ा ग्रुप है इन 5 सालों में कि उनकी टीम में करीब 2 दर्जन से ज्यादा गेट टीम है, उनकी टीम में उनके डाउन में मिलियनेयर टीम है, और अभी लास्ट मंथ इसी महीने ब्रांड न्यू मिलियनेयर टीम वो बने हैं। 5 साल की जर्नी में एक आइसक्रीम के ठेले से, एक साइकिल से आज यहाँ पर वो पहुंचे, राइट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितने बड़े लेवल का चेंज होने जा रहा है, राइट। और आज मेरे को लगता है, जो मैंने बहुत पहले सुना था जिग जिगलर और इन लोग को, कि वेलनेस इंडस्ट्री आने वाले समय की $1 trillion की इंडस्ट्री होने जा रही है। और अगर आप यहां पर मेरी बात को सुन रहे हैं तो आपको आइडिया आ जाना चाहिए आपके हाथ में क्या आ गया है। बट सवाल एक ही है, कितने लोग डिवोट होकर के उसको सीख सकते हैं। अब इतने सारे लोगों की लाइफ अगर बदली तो मेरी बदलेगी कि नहीं बदलेगी? ऑफ कोर्स बदलेगी। तो वही होना शुरू हुआ, मेरी लाइफ बदलने लग गई, राइट। और पहली बार मैं बाली गया, और जब बाली गया तो मेरे को याद है वहां पर मेरे को मुलाकात हुई थी, राइट। ये है करीब 2016 या 17 का है मैटर, मेरे ख्याल से विजय सर से वहां पर शायद मुलाकात हुई थी। हम लोग फ्यूचर मिलेनियर टीम रिट्रीट में गए थे, फ्यूचर प्रेसिडेंट टीम रिट्रीट में आई थिंक गए थे, वहां पर मुलाकात हुई थी, और उसके बाद से हम लोग अच्छे दोस्त बने। और आप सोचिए, सारे सक्सेसफुल लोग एक ही जगह मिले, राइट। ये पहली ट्रिप थी, उसके बाद फिर ऐसा होना शुरू हो गया, सिंगापुर गए और हांगकांग गए, ऑस्ट्रेलिया गए, राइट। और कितने लोग को याद है कि ये मैडम ने बोला था, अगर लगातार 3-4 साल आप ट्रेनिंग लेते गए, अपने को चेंज करते गए, अपने अंदर बदलाव लाते गए, तो एक दिन यही होगा कि आज जिस सुपरवाइजर वर्कशॉप को आप ले रहे हो, एक दिन ऐसा होगा जब हम और आप राउंड टेबल पे होंगे। मुझे नहीं मालूम था ऐसा भी होने वाला है, और जब मैं ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां सरप्राइज मेरे साथ हुआ। मेरी जो टेबल थी उसमें 2 प्रेसिडेंट टीम के नाम थे, एक मैं था और एक मेरे साथ मैडम थी। ये वो ड्रीम था जो पूरा हुआ, जो उन्होंने उस दिन मेरे को बोला था। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आज अगर आपको कोई बात बोली जा रही है उसको लिख लेना, अगर आपने इस बात को इम्प्लीमेंट किया तो डंके की चोट पे ये आपके लिए आने की तैयारी है, डंके की चोट पे ये हो सकता है, राइट। आपको मानना ही पड़ेगा, बाहर की दुनिया में वो सब बातें हवा होती है, बट यहाँ ये आपके सामने तो प्रूफ रख रहा हूँ, ये जर्नी आपके सामने 3.5 साल पहले और 3.5 साल बाद की, राइट। उसके साथ में फिर मलेशिया गए, अगेन सिंगापुर ऑनर्स गए, फुकेट गए, राइट। आज कहीं पर भी जर्नी करते हैं, एक समय था 10-12 हजार में खाने कमाने का नहीं था, आज कहीं पर भी जाते हैं। हर्बललाइफ के सिस्टम के कारण इतनी लाइफ बदल गई है कि विदाउट बिजनेस क्लास कहीं सर हम नहीं जाते, राइट। और एवरी टाइम ये आप देख सकते हैं, 6 महीने में 6 कंट्री घूमने का
रिकॉर्ड बनाया, शुरुआत के पौने तीन साल बिल्कुल ऐसा कर लिया था, जब तक प्रेसिडेंट टीम नहीं बन जाते तब तक कुछ इधर उधर नहीं देखना, सीधे फोकस। और उसके बाद ये आप देख सकते हैं 6 महीने में 6 कंट्री, उसके बाद इसराइल। और इसराइल जब हम लोग गए थे तो पहली बार सरप्राइज हुआ था डेविड सर के साथ, सारे प्रेसिडेंट टीम ने जो बिजनेस क्लास था पूरा पूरा बिजनेस क्लास खरीद लिया था, और सारे आप देख रहे हैं ये सारे हमारे प्रेसिडेंट टीम है। एंड आई एम सो लकी कि कहां से उठ के कहां किन लोगों के बीच में आने का मौका मिला। अगेन आपको बोल रहा हूं, आपके जो टॉप मेंटर्स हैं आपको उनके पास उनके अगल बगल रहने का मौका तभी मिलेगा जब आप बार 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 उनको सुनेंगे, उनको समझेंगे, उनके जैसा करेंगे, तो 100% एक दिन आपको वहां मौका मिलेगा। और जैसा ये हम लोग का शॉपिंग का टाइम रहता है, कहीं भी कंट्री में जाते हैं तो हम वहां के वेयर हाउस जरूर जाते हैं, राइट। और हम लोग यहाँ गए, हमने बहुत सारी चीजें देखी, वहां से सब इसराइल से लौट के आया, और मैं अगले महीने वापस मॉरिशस चला गया, जून में आए जुलाई में मॉरिशस चला गया, राइट। उसी के साथ में ये आप देख रहे हैं, जब इंश्योरेंस किया था इंश्योरेंस में मैं नंबर वन एजेंट था, मैंने 1000 पॉलिसी करने का रिकॉर्ड बनाया था, बट कभी अपनी पॉलिसी करने का पैसा नहीं रहता था मेरे पास। बट जब यहाँ आया, यहाँ आने के बाद 1 करोड़ की पॉलिसी अपने सपने हर्बलाइफ ने पूरे किए, काम सब जगह किया, सपने हर्बलाइफ ने पूरे किए, राइट। और इसी तरीके से ये एक से गैजेट्स हैं, और यस यहाँ पर हमारी जो लेविस लाइफ स्टाइल है, ये घड़ी है जो पूरे वर्ल्ड में 600 पीस बनी है और इंडिया में 2 ही पीस थे, और 1 पीस किसी ने खरीदा और 1 पीस मैंने खरीदा इसको, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लिया था। एंड आई एम सो प्राउड, आज ये सब चीजें हमारे पास पैसा कमाने के साथ खर्च करने के भी बहाने हैं। ये मेरी जिंदगी की मई में 2016 में पहली कार मैंने खरीदी थी जब मैं प्रेस टीम बना था, राइट, और वुमेन्स डे पे वाइफ को गिफ्ट करी थी। सेकंड 2017 में मैंने अपना 1.5 करोड़ का मकान लिया था, राइट, और 2018 में मैंने बिजनेस किस लिए किया था, मेरे बेटे की लाइफ बदलनी है, मेरी जैसी लाइफ हुई वैसी चलेगी, मेरे बेटे की खराब नहीं होनी चाहिए। और बहुत प्राउड फील हुआ जब 40 लाख की ऑटोमेटिक कार मैंने बेटे को गिफ्ट करी, राइट। 2019 में मेरा ड्रीम था कि मैं खुद के लिए मर्सिडीज लूं, तो 2019 में मैंने खुद की मर्सिडीज खरीदी, राइट। और 2020 में मैंने बिगेस्ट ड्रीम हाउस लिया उत्तराखंड में, अप्रोक्स 2.5 करोड़ का, वो भी कैश, राइट। तो आप आइडिया लगा सकते हैं नंबर एक की रकम पे, कुछ बोलने की जरूरत नहीं, कितने लोग को लगेगा इतना बड़ा चेंज अगर आपके साथ भी आएगा। तो जो भी आप सक्सेस देख रहे हैं, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा, जो भी सक्सेस आप देख रहे हैं ये एक दिन में नहीं आई है, इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। बट हार्ड वर्क तो नॉर्मल लाइफ में भी करते थे, फिर वहां क्यों नहीं सक्सेस हुए? क्योंकि यहां पर हमारे साथ मेंटर्स थे, वो बताते थे किस रास्ते से जाना है किस रास्ते से नहीं जाना है। और नेवर एवर मैंने कभी मेरे स्पॉन्सर, कभी अपलाइन स्पॉन्सर, कभी मेंटर, नेवर एवर कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि उन्होंने बोला और मैंने क्रॉस किया हो। एवरी टाइम मेरे स्पॉन्सर ने जो बोल दिया वो मेरे लिए पत्थर की लकीर होती थी, इसीलिए मेरे स्पॉन्सर प्रेसिडेंट टीम बने और उनके बाद डायरेक्ट मैं प्रेस टीम बना, राइट। तो ये मैं आपको जो भी दिखा रहा हूं ये सब कुछ पॉसिबल है। अब ये डिपेंड करेगा कि आप देखते कैसे हैं। और जब आया था इनकम के लिए तो ये आप देख सकते हैं, पहले महीने का चेक था 16,000 का, सेकंड मंथ का चेक था 45,964 का। तो जब मेरे को 46,000 आया तो मैंने कहा जब सारा इनकम यहाँ आ सकता है तो क्यों ना मैं इसको दिल से काम करूं। एक कंपनी जिसको मैंने 2 महीने हो रहा है सीखे हुए, 2 महीने में कंपनी ने मेरी वैल्यू बताई कि तुम 46,000 कमा सकते हो, तो क्यों ना मैं इसको दिल से और करूं। मैंने और दिल से करना शुरू किया और तीसरे महीने में मेरे को जो चेक आई वो 1,44,000 थी। एंड यकीन मानना फ्रेंड्स, इसके बाद से आज तक का कोई महीना ऐसा नहीं गया हो कि जिस महीने 1 लाख से नीचे चेक आया हो। दिस मंथ कंपनी ने जो पे चेक किया, राइट, कहीं कोरोना लगा कहीं क्या लगा हमें नहीं मालूम, बट एवरी टाइम इस महीने कंपनी ने हार्ड जो मेरे को मेहनत करने के बाद जो चेक दिया वो है 35 लाख रुपए का, राइट। और ये सब आपकी मैं पिक्चर बता रहा हूँ जो आपके लिए होने की तैयारी में है, राइट। अब सवाल एक ही है, कितने लोग को ट्रस्ट हो रहा है कि आपका भी हो सकता है? 100% जितने लोग हाथ उठा रहे हैं, यू आर ऑन द वे, राइट। एक ही चीज मैं आपको बोलूंगा, आज से ही खुद जुड़ जाइए खुद का बेस्ट वर्जन तैयार करने के लिए। आपसे बेस्ट आपको कोई नहीं बना सकता, सिर्फ आप ही बना सकते हैं। अब सवाल यही है कि जब सीखने का टाइम है, जब समझने का टाइम है, क्या हम वहां पर हैं या नहीं है, राइट। तब तक मत रुकियो जब तक आप जैसा आप अपने को देखना चाहते हैं वैसा ना बन जाए, तब तक रुकना नहीं है आपको। क्या हम कर सकते हैं इस चीज को, राइट। तो वो मेरा क्यों हुआ, तीसरे ही महीने में टॉप वॉल्यूम प्रोड्यूसर क्यों बना, क्योंकि मैंने सोचा था उसके बारे में, राइट। तो जो आप सोचते हैं वो आप बन जाते हैं। ये आपके सामने एक और है हमारे गुजरात के, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट टीम है एट द एज ऑफ 73। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग को थोड़ा बहुत भी इधर उधर डाउट है, आपका सब डाउट क्लियर हो जाना चाहिए।
राइट, वी रेस्पेक्ट, हम इनको सलाम करते हैं। एट द एज ऑफ 73 इन्होंने मात्र 15 मंथ में प्रेसिडेंटी क्वालिफाई किया, 15 मंथ में, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। अब अगर किसी का नहीं हो रहा तो आपको खाली एक ही चीज समझना है कि अब मेरे को करना क्या है, कैसे करना है, राइट। एवरीथिंग इज पॉसिबल, और एक ही चीज है, जो भी आप करना चाह रहे हैं, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। आपका जो कंफर्ट जोन है उससे जब आप बाहर निकलेंगे तो ही सब होने वाला है। तैयार है सब लोग करने के लिए? ग्रेट। तो मैं चलते चलते कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूं, लास्ट के पॉइंट जो आपके लिए बहुत ज्यादा काम के होंगे। सबसे पहले मैंने जो दो तीन चीजें प्लानिंग करी थी वो मैं आपको बता रहा हूं। मेरा प्लान था कि यहां पर मैंने देखा है जल्दी प्रेसिडेंट टीम कौन पहुंचता है जिसका हाई वॉल्यूम है, तो मैंने मेरी पूरी जिंदगी में हाई वॉल्यूम के ऊपर रखा ध्यान। हाई वॉल्यूम कैसे करना, बहुत ईजी है। सबसे पहले मैंने 30 से 40 कस्टमर होते थे, 30 से 40 कस्टमर का मैं रिजल्ट लाता था, 30 से 40 कस्टमर के रिजल्ट के बाद जो लोग बोलते थे या जिन लोगों को मैं देखता था वो ओवर एक्साइटेड रहते थे, एवरी टाइम प्रोडक्ट की तारीफ करते थे, एवरी टाइम गुड ह्यूमन बीइंग लगते थे, आते थे गुड मॉर्निंग सर, टाइम से पहले आना, और जब भी आना तो एक दो लोगों को और मदद करना। तो जो लोग ऐसे थे और जो बोलते थे हम कुछ करना चाहते हैं उनको हम लोग चांस देते थे। याद रखिएगा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस टाइप के लोग हैं आपका लेवल भी उसी टाइप का बदलेगा। तो आप क्या कर सकते हो, आपके लेवल में ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं जो काम कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, आप हर मंथ न्यू लोग ला सकते हैं, ये आपके पास खुला आमंत्रण है अगर आपका ध्यान इस पे है तो, राइट। तो मैं क्या करता था कि जो भी लोग होते थे उनको मैं प्रयास करता था, और मेरा पहला प्रयास रहता था कि हर महीने मैं 10,000 करूं, हर महीने मैं 15,000 पर्सनल वॉल्यूम करूं, राइट। अगर आपके पास 30 कस्टमर हैं और आप कस्टमर का क्लस्टर बना रहे हैं तो 100% उसमें से कई लोग आएंगे जो वॉल्यूम करेंगे। तो कोई 500 करता था, कोई 700 करता था, कोई 1,000 करता था। तो इस तरीके से हम लोग हर महीने हमारा 10-15,000 का टारगेट होता था, 15,000 का टारगेट रखते थे, तो 15,000 नहीं होता था बट 5,000 जरूर होता था। तो 5,000, 6,000, 7,000, 8,000, 9,000 ऐसा हमारा एवरी मंथ रहता था। मेरे गेट टीम के काल में, मेरे अगर प्रेसिडेंट टीम की बात अगर करूं तो आई डोंट थिंक इन 33 महीनों में 3 महीने के सिवाय कभी ऐसा गया हो जब मैंने 2500 किया हो। सिर्फ 3 महीने ऐसे थे जब मैंने 2500 किया, 3 महीने के सिवाय बाकी के सारे महीने ऊपर गए। वन मोर थिंग, ऐसा कोई महीना नहीं गया जब से मैंने हर्बललाइफ ज्वाइन करी है, ऐसा कोई महीना नहीं गया है कि जिस महीने मैंने चेक नहीं उठाया हो, क्योंकि हम यहाँ पर आए हैं काम करने के लिए। आपके पास पैसा नहीं होगा घर वालों को क्या खिलाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा आप कैसे कवर करोगे, आपके पास पैसा नहीं होगा आप कैसे ट्रेनिंग में जाओगे, आपके पास पैसा नहीं होगा आप अपनी लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करोगे, आपके पास पैसा नहीं होगा पर्सनालिटी कैसे चेंज करोगे। तो सब जगह पैसे की जरूरत तो है। तो अगर हम यहाँ पर आए हैं, हम यहाँ काम कर रहे हैं, इच्छा से, अच्छी इच्छा से बात कर रहे हैं, अच्छी सोच से बात कर रहे हैं, तो पैसा भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि पैसा मेरा आना चाहिए। और पैसा यहाँ कब आता है, जब आप लोगों की दिल से मदद करते हैं तब आता है, राइट। तो हमारा वो टारगेट रहता था। अब कई लोग काम भी करते हैं बट कई लोगों का नहीं हो पाता, फिर वो लोग बोलते हैं सर हम काम तो इतना करते हैं फिर हमारा 2500 क्यों नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले आपको सर्वाइवल मोड से बाहर निकलना है। पहला काम तो आपका 2500 होना ही चाहिए, नेवर एवर कोई महीना जीरो जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, आप जैसे होंगे वैसे ही लोग आपको अट्रैक्ट करेंगे या आप उन लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपका अकाउंट जीरो है तो क्या होगा, जीरो अकाउंट को अट्रैक्ट करेगा, राइट। तो आपको प्रयास करना है 10 तारीख के पहले। मैं ऐसा करता था, मेरा 10 तारीख के पहले 3,000, 3,500, 4,000 वॉल्यूम हो जाता था 10 तारीख के पहले, और 10 तारीख को 3,500, 4,000 वॉल्यूम जो आता था वो जैक का काम करता था, वो एक्सेल का काम करता था, मेरे अंदर आग लगाता था कि इस महीने और बड़ा काम करना है, इस महीने और बड़ा काम करना है, राइट। बट हमें से कई लोगों की गलती क्या हो जाती है, वो 20 तारीख को स्टार्ट करते हैं, 25 तारीख को उनका 500, 700, 800 वॉल्यूम होता है, राइट, और 30 तारीख तक जाते जाते वो 1,000 पे जाके अटक जाता है। और फिर हम स्पॉन्सर को बोलते हैं सर इस महीने ना मेरे 5 जगह से वॉल्यूम होने वाला था बट 5 के 5 गायब हो गए। वो गायब नहीं हो गए, आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आपको करना ही है, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, चैंपियन क्या होता है, चैंपियन कल नहीं करता, चैंपियन कल वाले काम को आज करता है। तो जो काम 20 तारीख के पहले हो सकता था, क्या अगर हमने पहली तारीख से ध्यान दिया होता तो 10 तारीख के पहले होता कि नहीं होता, होता 100% होता। बट ये गलती आप मत करना, राइट। प्रयास करना, आज के बाद आपका पहला 2500 वॉल्यूम पॉइंट 10 तारीख के पहले होना चाहिए। अगर 10 तारीख के पहले आपका 2500 वॉल्यूम पॉइंट होने लग जाए, फिर आप देखिएगा पूरा महीना आपका कितना जानदार, कितना शानदार जाने वाला है। ये बात मैं उनके लिए बता रहा हूँ जिनके कुछ ड्रीम्स हैं, ये उनके लिए बता रहा हूँ जो कहीं पहुंचना चाहते हैं,
ये उनके लिए बता रहा हूं जो समाज को मदद करना चाहते हैं, ये उनके लिए बता रहा हूं जिनके लिए उनके घर उनके परिवार वालों के सपने कोई मायने रखते हैं। अगर आपके लिए ऐसा है तो आपको रिस्ट्रिक्शंस में काम करना चाहिए, डेडलाइन के साथ काम करना चाहिए कि महीने के 10 तारीख के पहले मैं ये करूंगा, और मैं करता था जिसके कारण होता था। तो मेरा जो मैं समझ पाया 2500 वॉल्यूम पॉइंट मतलब आप सर्वाइवल ग्रोथ में है। अगर आप 5000 कर रहे हैं मतलब आपकी ग्रोथ मोड अच्छा है, आप ग्रोथ मोड में है। 5000 मतलब 5000 कर रहे हैं और उसमें हर महीने एक सुपरवाइजर अगर आपके निकल रहे हैं तो 4000 करके सुपरवाइजर नहीं निकालना है। सुपरवाइजर कैसे करना है वो आप लोग अपने स्पॉन्सर से, आपके यहाँ जो सिस्टम चल रहा है 2 मंथ 3 मंथ क्वालिफिकेशन, आपको उस तरीके से सुपरवाइजर करके उनको हर महीने एक सुपरवाइजर तो निकलना चाहिए। एक न्यू लाइन में एक न्यू सुपरवाइजर निकलेगा तभी तो अगले 12 महीने में आप टारगेट सेट कर पाओगे कि आप 12 महीने बाद मिलेनियर टीम बन रहे हैं, 7-5 बन रहे हैं या प्रेस टीम बन रहे हैं, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि हर एक महीना बड़ा कीमती है। जो जो महीना मिस हो गया समझना आप 3 महीने पीछे चले गए, ये मैं ऐसा मानता था। तो 2500 वॉल्यूम पॉइंट मतलब सर्वाइवल, 5000 मतलब ग्रोथ, और 10000 मतलब रिच इनकम। कितने लोग को वो 35 लाख का चेक अच्छा लगा? 35 लाख का चेक अच्छा लगा। कुछ लोगों के हाथ उठ रहे हैं, कुछ लोग के हाथ नहीं उठ रहे हैं। आई अंडरस्टैंड, शायद आपको कुछ लोग ने दो दो हाथ उठा दिए, मतलब आपको ज्यादा अच्छा लगा तो ज्यादा आएगा, ग्रेट। तो सबसे पहले तो आपको समझना है कि वो चेक अच्छा लगा, ये बड़ी बात है। आप रिएक्ट कर रहे हो, ये दूसरी बड़ी बात है। अब 100% आप कल से एक्ट करोगे उसको पाने के लिए, राइट। तो ये आपको इसको समझना है। और इसके साथ में जब भी आप इसकी तरफ जाएंगे, जब भी आप इसको पाना चाहेंगे, तो सबसे पहला काम आपका क्या है, आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। आपके कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं रखा, जो भी आप पाना चाहते हैं वो कंफर्ट जोन के बाहर है। अगर आप सेहत पाना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे उठ करके सड़कों पर जाएंगे तो आप कंफर्ट जोन के बाहर आएंगे, तो ही अच्छी सेहत मिलेगी। अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, अगर आप अच्छी सेहत चाहते हैं तो आपको जुबान पे कंट्रोल करना है, राइट, और अच्छी चीजें खानी है, तो आप आगे निकल पाएंगे। तो आपको इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या करने से क्या होगा, राइट। चलते चलते लास्ट 5 to 6 पॉइंट और जो मैं ध्यान रखता था एवरी टाइम, यूज वेयर टॉक एवरी टाइम आपका चलना चाहिए। ऑल एसोसिएट यूज वेयर टॉक, चेक करिए आपका डेली का प्रोडक्ट कंजम्पशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, चेक करिए आप जो सुबह जूम ऑनलाइन जो सिस्टम चल रहा है आप उसमें है कि नहीं है। अगर नहीं है तो बड़े खतरे की बात है, राइट। आप कितने भी खूबसूरत दिखते हो, कितने भी हीरो हीरोइन दिखते हैं, अगर आप सिस्टम में नहीं है तो आप किसी न किसी के सिस्टम में है, और जिस सिस्टम में आप उसको वही इनकम मिलेगी, राइट। तो हर्बलाइफ का सिस्टम करोड़ों का सिस्टम है, हर्बलाइफ के बाहर जिस सिस्टम में मैं था वो हजारों का सिस्टम था, इसलिए मेरे को 1000 मिल रहे थे उसमें, राइट। तो आपको समझना एवरी टाइम जो आपके मेंटर्स ने जो आपको सिस्टम बना के दिया है, हमारे यहाँ जैसा BTC चलता है आपके यहाँ भी BTC चलता होगा या इस टाइप का कुछ चलता होगा, तो डेली चेक करिए आप उस सिस्टम में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो तकलीफ है, अगर है तो चेक करिए क्या जल्दी आ रहे हैं। दूसरा, डोंट फोकस ऑन द वर्क, फोकस ऑन द वे। जो काम कर रहे हैं ना, आप खाली ये मत बोलो सर मैंने आज 10 एक्टिविटी करी 20 एक्टिविटी करी, ये मत बोलो। जब भी अगर आपको उसका रिजल्ट चाहिए ना, तो आपको ये बोलना है कि वो एक्टिविटी मैंने कैसे करी, क्या उससे कल रिजल्ट आने वाला है। अगर आपने 500 लोग को बात करी एक भी नहीं आया तो क्या फर्क पड़ता है, बट आपने 10 लोगों को बात करी और 2 लोग भी आते हैं तो मतलब आपने काम किया। तो जिम रोहन सर बार बार बोल रहे हैं डोंट फोकस ऑन द वर्क फोकस ऑन द वे, ये मत बोलिए मैंने काम किया, बार बार ये सोचिए वो काम को कैसे किया, क्या मेरी नेक्स्ट लेवल आने वाला है, अगर नहीं आने वाला तो फिर मैं वैसा करूंगा, राइट। तीसरा, चेक योर प्रोडक्ट कंजम्पशन जो मैंने आपको बोला। चौथा, 5 to 10 कस्टमर, मैं 30 कस्टमर बनाता था, मेरे को प्रेस्टीज जाना था। आप में से जिनको प्रेस्टीज जाना है आपको अगेन 30 कस्टमर पर फोकस करना है, राइट। या जिसको अभी आप एसोसिएट है सक्सेस सुपरवाइजर है आपको वर्ल्टीन जाना है तो 5 से 10 कस्टमर तो चाहिए ही चाहिए, इसके बगैर नहीं होगा। आस्क योर सेल्फ एवरी टाइम, आप हर्बलाइफ कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है। आप अपने आप से पूछिए अगला लेवल कौन है और मैं कब करने जा रहा हूँ। यस, आप लिख सकते हैं जिस बुक में आप लिख रहे हैं, आप लिखिए फटाफट आपका अगला लेवल क्या है और आप कब करने जा रहे हैं, अभी लिखिए तो वो डेडलाइन हो जाएगा, क्योंकि अभी आप पूरे वाइब्रेशन में बैठे हुए हैं सक्सेसफुल लोगों के, राइट। एंड वन मोर थिंग, फाइंड योर व्हाई, काय को हर्बलाइफ कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जिमरान सर का वीडियो चल रहा था, उसमें भी यही बात उन्होंने बोली, फाइंड योर व्हाई, आप हर्बलाइफ में क्यों आए हैं, पूछिए अपने आप से। मेरा भाई बहुत तगड़ा था, मेरा एक ही बेटा है वो तगड़ा था, मैं बेटे के लिए कुछ ना कुछ करूं। आप अपना व्हाई चूज करिए, आप क्यों करना चाहते हैं, राइट। और लास्ट में चलते चलते जो चैंपियंस के वर्ल्ड है वो मैं बोलने जा रहा हूँ, जो मैंने कहीं ना कहीं बुक में पढ़े थे मैं आपको बोलने जा रहा हूँ, राइट। सबसे पहला मेरा एक तरीका था, अगर आप बैडमिंटन भी खेलेंगे क्रिकेट भी खेलेंगे तो आप मास्टर ब्लास्टर किसी में नहीं बन पाएंगे। तो अगर आपका ड्रीम कहीं ड्रीम लेवल है, प्रेसिडेंट टीम लेवल,
तो फटाफट जितनी जल्दी बाकी चीजों से सरेंडर करके हर्बल लाइफ में आते हैं उतनी जल्दी आप आगे जाएंगे। आई हेट प्लान बी। मैंने आपको बताया इंश्योरेंस में मैं नंबर वन एजेंट था, बट जिस दिन हर्बल लाइफ ज्वाइन करी थी उसी दिन इंश्योरेंस में मैंने चौकड़ी मार दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था इंश्योरेंस का 10-15 हजार और हर्बल लाइफ का 10-15 हजार, ये 20-30 हजार मेरी जिंदगी भर आए, मेरे को नहीं चाहिए था। मैं इंश्योरेंस का 15 हजार छोड़ करके हर्बल लाइफ के 15 लाख को आना चाहता था, और वो 15 लाख कब मिलता, जब मैं 100% सरेंडर होकर हर्बल लाइफ के सिस्टम में आता। और मैंने पहला काम यही किया, प्लान बी को कैंसिल किया, क्योंकि अगर इंश्योरेंस रहता तो बार बार मेरे दिमाग में बोलता इतनी मेहनत करने क्या जरूरत है, 15-20 हजार उधर से भी तो आ ही रहा, 15-20 हजार इधर से कमा लो, राइट। आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मेरा नहीं मालूम, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सबसे बड़ा दुश्मन कहीं बाहर मत ढूंढने जाइए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके दिमाग में ही है, जो सही चीजें करने से रोकता है, राइट। अगर आप इसको समझे तो मैं अपने एवरी टाइम दिमाग को कंट्रोल में रखता था, मेरे लिए क्या फायदेमंद है, आई वॉज मैच्योर। याद रखना रेसिडेंट टीम पिन सिर्फ मैच्योर लोगों को आएगी, रेसिडेंट टीम पिन सिर्फ मैच्योर लोगों को आएगी। जो लोग मैच्योर है सुपरवाइजर लेवल पे, जो लोग मैच्योर है वर्ल्ड टीम लेवल पे, जो लोग मैच्योर है गेट टीम लेवल पे, जो लोग मैच्योर है मिल टीम लेवल पे, राइट। मिल टीम को बोलने की जरूरत नहीं, वो ऑलरेडी प्रेस टीम की तरफ ही चल रहे हैं, उनको कोई रोक ही नहीं सकता, राइट। वो लेवल हासिल कर लिया, बात खत्म। बट गेट टीम तक थोड़ा खतरा रहता है, क्योंकि मैं भी एक साल गेट टीम पे बैठा रह गया था, एक साल तक मैं गेट टीम पे था और मैंने सोचा मैं तो फटाफट प्रेस टीम बनने आया था, फिर मैं कैसे रह गया। और जिस दिन मैंने इस बात को रियलाइज किया उस दिन मेरी प्रेसिडेंट टीम जर्नी शुरू हो गई। यू कांट बिलीव, अगले 3 महीने में गेट टू 5 हुआ, उसके अगले 3 महीने में मिल टीम, उसके अगले 3 महीने में मिल 7-5, उसके अगले 3 महीने में प्रेस टीम। तो 1-2 साल में गेट टीम पे था, अगले 1 साल में प्रेस टीम पे था, राइट। मैं यहाँ पर जितनी भी बात बता रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा मैं कितना बड़ा तुर्रम खाऊं, मैं खाली आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसको रियलाइज करेंगे, अगर आप चाहेंगे 100% वो सब आपके पास आने की तैयारी में है। करना कैसे है, आपके मेंटर से सीखिए। करना कैसे, वो जो उन्होंने एक बात बोली ना, उस एक बात को पूरा रामायण की तरह समझने की कोशिश करिए, एक लाइन में उन्होंने क्या क्या बोल दिया आपके लिए, राइट। सो आई हैड प्लान बी, एवरी टाइम बी इन पॉजिटिव एनवायरमेंट, पॉजिटिव एनवायरमेंट में रहिए, पुट योर ड्रीम इन फ्रंट ऑफ यू, अपने ड्रीम अपने फ्रंट में रखिए एवरी टाइम, राइट। सराउंड योर सेल्फ विद सक्सेसफुल लीडर्स, जो आपके यहाँ लीडर्स हैं सक्सेसफुल, जिनका 2 लाख 3 लाख 5 लाख किस टाइप का चेक चाहिए आपको, उन लोग के साथ में रहने की कोशिश करिए, बार बार उनका चेक देखिए, उनका चेक देख करके अट्रैक्ट करिए और उस चेक के लिए काम करिए, खाली अट्रैक्ट मत करिए, राइट। वन मोर बिगेस्ट थिंग, आप जिस कंपनी में जिस कॉन्सेप्ट में आए हैं ये आपको मैं बताने जा रहा हूं, अगर आपने सुना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुना है तो ये सबसे बड़ी बात है आज की ट्रेनिंग की। आपके शुरुआत के 90 डेज डिसाइड करते हैं आपके 365 दिन कैसे जाएंगे। अगेन बोल रहा हूं मैं आपको, आपके शुरुआत के 90 डेज डिसाइड करेंगे अगले 365 दिन कैसे जाएंगे आपके। तो शुरुआत के 90 डेज के ऊपर काम करिए और 365 दिन देखिए, आप देखेंगे फ्लो में आ गए। 90 डेज मतलब आपको मालूम है, अगर गेट टीम करना है कितने दिन चाहिए 90 डेज, मिलियनेयर टीम करना है कितने दिन चाहिए 90 डेज। तो जो बड़े रिजल्ट हैं, जो बड़े लेवल हैं, वो 90 डेज में आते हैं, और आपका 90 डेज आज से शुरू हो सकता है आप अगर प्लान कर रहे हैं। 90 डेज कैसे प्लान करना, बहुत इजी है, राइट। आपके मेंटर उसको बताएंगे और आज उन्होंने प्रूफ किया है, राइट। सो इसको आपको समझना है। और चलते चलते एक स्टोरी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, और मैं इस स्टोरी के माध्यम से आपको रियलाइज कराना चाहूंगा आप हर्बल लाइफ में क्यों आए हैं। तैयार है सब लोग, ऑल आर रेडी, ग्रेट। तो दो पर्सनालिटी थी यूएस में, दो पर्सनालिटी थी, एक थे बॉब और एक थे स्टीव। तो ये दोनों बहुत पक्के दोस्त थे, इन्होंने एक कंपनी ज्वाइन करी और एक कंपनी में धीरे 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 करके आफ्टर सम टाइम बाद, जो बॉब था वो एक सुपरवाइजर पोजिशन पे ही था, तो मतलब वो 15-20 हजार 30 हजार रुपया कमाता था, राइट। एक दिन क्या हुआ, बॉब को मिलने उसका फ्रेंड आया स्टीव, और स्टीव जब आया ना तो वो 10 करोड़ की फरारी के साथ आया, और उसने बोला स्टीव बॉब कम यार, उसने बोला क्या है, उसने बोला कम यार आई वांट टू टॉक विद यू। तो बॉब उसके पास गया, फिर वो दोनों लोग टेबल पे बैठे रहे, उन्होंने बियर सीआर पी, बहुत सारी प्लानिंग करी, कंपनी की प्लानिंग करी, ये करी वो करी। बाद में बॉब जब रिटर्न गया तो उसके जो लेबर थे साथ वाले, उन्होंने बोला यार तुम तो बड़े किस्मत वाले हो, तुम तो कंपनी के सीईओ के साथ थे, स्टीव के साथ थे, इतनी बड़ी हस्ती के साथ में, तुम तो यार बड़े किस्मत वाले हो। तो उसने बोला किस्मत वाला नहीं हूं, बोला हम दोनों लोगों ने ये कंपनी एक ही साथ ज्वाइन करी थी। बोला मतलब कंपनी ज्वाइन करी और एक आदमी करोड़ों कमा रहा और दूसरा 25-30 हजार कमा रहा, ऐसा कैसे। तो बॉब ने बोला जब काम करने का टाइम आता था मेरी गलती थी,
मैं 8 घंटे की घड़ी देख करके वापस घर चला जाता था, बल्कि जब स्टीव काम करता था तो स्टीव कई कई दिन 8-8 घंटे एक्स्ट्रा काम करता था। तो बोले मैं समझा नहीं, बोले ये तो मैं बाद में समझ पाया कि मैं एक सैलरी के लिए काम करने आया था और स्टीव कंपनी खोलने के लिए आया था, इसलिए आज स्टीव कंपनी का मालिक है और मैं यहाँ पर वर्कर हूँ। आई होप आप हर्बललाइफ क्यों करने आए हैं, आपको उसी दिशा में उसी तरीके से काम करना है। और मेरा मैसेज अगर मिल गया हो तो इसके सिवाय कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सब समझदार लोग नेट प्रेसिडेंटिंग यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगेन चलते चलते मैं आप सब लोग को एक ही चीज बोलूंगा, मैंने आप सबको अपना परिवार समझ के बात करी है, कोई बात अगर मेरी इधर उधर लग गई हो तो उसको थोड़ा सा साइड रखिएगा। जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं, मैं यहाँ पर कोई सोसा करने नहीं आया हूँ, मैं खाली आपका एक कॉन्फिडेंस दिलाने आया हूँ। अगर मेरा हो सकता है तो यहाँ बैठे हर व्यक्ति का हो सकता है, सवाल एक्शन कौन लेगा। ओके सो थैंक यू ऑल द बेस्ट, बैक टू मास्टर सेरेमनी। वाह सुपर अमेजिंग वाइब्रेशन सेशन रहा, थैंक यू सो मच सर कि आज आपने हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए जो हमारे जीवन को बदलने जा रहे हैं। हम सभी लोग बहुत एक्साइटेड हैं और आज हमें बिल्कुल यहाँ से खुल चुका है ढक्कन हमारा कि अब हमें क्या करना है लाइफ में। यस, आज के 5 साल बाद आप कहाँ होंगे ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। एंड कामयाबी परिस्थितियां नहीं देखती है, वो सिर्फ आपका संकल्प देखती है। यस अमेजिंग, ये बुलेट पॉइंट थे। एंड हमें काम का नहीं वैल्यू क्रिएट करने का पैसा मिलता है। फैंटास्टिक। सो ये बहुत ही अमेजिंग रहा ट्रेनिंग मेरे लिए। अब आज के हमारे गेस्ट स्पीकर को लव ऑफ टोकन देने के लिए हम इनवाइट करने जा रहे हैं इंटरनेशनल सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रेजेंट 15K राखी विजय टाक सर, ओवर टू यू, वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू एंड हैट्स ऑफ टू यू सर, यू आर अमेजिंग सर, यू आर अमेजिंग। आपको शब्दों में थैंक यू कहकर के सर मैं इस बात को विराम करूं, मेरे को मन नहीं कर रहा है बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू थैंक यू सर, बिकॉज आपने जिस तरीके से हमारे यहाँ पे मौजूद प्रत्येक एसोसिएट्स को प्रत्येक कोचेस को जो बातें लर्न कराई, इट इज रियली अमेजिंग। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि एवरीथिंग सक्सेस आउट ऑफ कम्फर्ट जोन, हमें कम्फर्ट जोन से बाहर निकलना ही होगा। बिकॉज मैं देख रहा हूँ कि पिछले कुछ महीनों से कुछ सालों से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लाइफ ही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं, कंफर्ट जोन में रहते हुए ही सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। चाहते वो सब कुछ है जब वो एक प्रेस्टिंग जैसी लाइफ जीता है, बट कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लेकिन आज आपके मैसेज से क्लियर हुआ कि अल्टीमेटली हमें कंफर्ट जोन से तो बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपने गोल्स के मुताबिक काम करना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर, एंड चूंकि इट्स अ वर्चुअल ट्रेनिंग सो वर्चुअल तरीके से सर हम आपको थैंक यू कहेंगे। सो Thank you. We are really thankful to you, sir. आज के मिलने मंच प्रोग्राम में we are too much grateful to you कि आपने अपना अनमोल समय दिया, आपने अपना शेयरिंग किया और आपने जो अपना पिछला 7.5 साल का जो एक्सपीरियंस है, नॉट ओनली 7.5 साल एक्सपीरियंस हर पल है, बल्कि मैं कहूंगा आपने अपना 46-47 ईयर्स का जो आपका एक्सपीरियंस है जिसमें आपने कई सारे बिजनेस किए हैं और आपको जगह जगह सफलता नहीं मिली, और जब जगह जगह सफलता नहीं मिली उस असफलता के एक्सपीरियंस की वजह से आपने हर पल के प्लेटफॉर्म पे जो काम करके दिखाया, इट इज रियली अमेजिंग एंड वी ऑल सैल्यूट टू यू सर, वी आर टू मच ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू सो मच त्रिभुवन तिवारी सर, एंड वी वर्क ऑन मार्क्यूस आइडियोलॉजी दैट इज चेंजिंग पीपल्स लाइफ। हम सभी मिलकर के हमारे मार्क्यूस मिशन पे काम करते हैं जो कि लोगों की जिंदगी बदलने पर हम लोग काम करते हैं। हम सभी का पर्पस टू मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, हम सभी का पर्पस दुनिया को हेल्थियर बनाना और हैप्पियर बनाना है। इस दुनिया के प्रत्येक इंसान को हर्बललाइफ के अमेजिंग न्यूट्रिशन की जरूरत है, इस दुनिया के प्रत्येक इंसान को इस न्यूट्रिशन की जरूरत है, और इस न्यूट्रिशन को दुनिया के प्रत्येक इंसान तक पहुंचाने के लिए आपके और हमारे से वेलनेस कोचेस की जरूरत है। सो 8 बिलियन ज्यादा इस दुनिया की पॉपुलेशन है और उसमें बहुत सारे लोग ओवरवेट हैं, बहुत सारे लोग को जैसा मैंने बताया कि हर इंसान को जरूरत है न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ मौजूद प्रत्येक व्यक्ति अपने माध्यम से अपनी फैमिली के प्रत्येक व्यक्ति को न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करें, खुद इस्तेमाल करें। जैसे त्रिभुवन तिवारी सर ने आज के हमारे गेस्ट स्पीकर ने अपनी स्टोरी बताया, काफी सारे लोग किस किस बैकग्राउंड के थे, कोई आइसक्रीम बेचने वाला था, कोई ऑटो चलाने वाला था, वो लोग भी न्यूट्रिशन यूज करने के लिए यहाँ पर आए और न्यूट्रिशन यूज करते करते उन्होंने अपनी बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन किया और आज वो कहाँ पहुंच गए। तो ये आप लोगों के साथ भी हो सकता है, आपकी ना जानकारी में से बहुत सारे लोग हैं जो मोटापे से परेशान हैं, कई सारे चैलेंजेस के अंदर हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं। अगर ऐसे लोगों को हम ऑफर देकर, ऐसे लोगों को हम ये प्रपोजल देकर के अपने साथ एक वेलनेस कोच बनने के प्रोफेशन में लेकर आते हैं,
और ये जो हमारा मिशन है दुनिया को हेल्दी बनाने और हैप्पी बनाने काम में लगते हैं तो बहुत कुछ मिलने वाला है। बिकॉज ध्यान रखिएगा, जब कुछ मांगते हमें कुछ नहीं मिलता है, लेकिन हम देने वाले बन जाते हैं तो ऊपर वाला बहुत हमें देता है। तो हम इस तरीके से दुनिया को हेल्दी और हैप्पी बनाने वाले बन जाते हैं तो हमारी जिंदगी में तो हेल्दीनेस और हैप्पीनेस अपने आप आनी ही आनी है। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू मार्क्यूस सर, जिन्होंने इस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी को बनाया, जो कहते हैं केयर मोर अबाउट अदर्स, यू विल बी टेकन केयर ऑफ। एंड ध्यान रखिएगा, आप सभी को गोवा वेकेशन का ध्यान रखना है। हम सभी, गोवा वेकेशन चल रहा है नेक्स्ट मंथ, ये जुलाई महीना है, अगस्त महीना है, अगस्त महीना हमारे लिए, अगस्त और सितंबर महीना हम लोगों के लिए, किसी के लिए अगस्त, किसी अगस्त सितंबर हम लोगों के लिए लास्ट मंथ क्वालिफिकेशन का। तो अपनी क्वालिफिकेशन का ध्यान रखिए। अगर आप में से किसी गोवा वेकेशन के बारे में पता नहीं है, अपने अपलाइन टैप टीम से फ्लायर मांगिए, इसको पढ़िए, समझिए क्या कमी है आपके उस क्वालिफिकेशन पूरा करने में। बिकॉज आज का ये गोवा वेकेशन का क्वालिफिकेशन आपकी इंडिया वेकेशन क्वालिफाई करने में हेल्प करेगा, और आज की गोवा वेकेशन क्वालिफिकेशन आपके कस्टमर्स बनाने में हेल्प करेगा, और इमीडिएट आपको जो रेस्पेक्ट मिलेगा, इमीडिएट आपको जो कुछ फायदा मिलेगा वो गोवा वेकेशन होगा। एंड यस, जैसा हमारे गेस्ट स्पीकर ने कहा, नेक्स्ट लेवल, आज आप किस लेवल पर, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट इज दिस, आपका अगला लेवल कौन सा है। क्या आप अपने नेक्स्ट लेवल के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप डेली अपने नेक्स्ट लेवल के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप 30 कस्टमर मेंटेन करने के लिए काम कर रहे हैं? क्या आप रोज 10 लोगों से बात और 2 लोगों से मुलाकात कर रहे हैं? तो आपको नेक्स्ट लेवल आने से कोई नहीं रोक पाएगा। सो वर्क फॉर योर नेक्स्ट लेवल एंड वर्क फॉर योर SSS, सेहत से सफलता की और क्वालिफिकेशन। आज महीने की 27 तारीख हो गई है, 31 जुलाई हमारा इस महीने का एंड ऑफ द मंथ क्लोजिंग डेट है, 31st of July सैटरडे, ध्यान रखिएगा। और आप में से जो लोग भी अभी तक SSS क्वालिफाई नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है वो समझिए। आपको 4 से 5 कस्टमर्स के लिए अपनी आईडी प्रोडक्ट परचेस करना है, उन कस्टमर को मेंटेन करना है, इसके बदले आप हर महीने रोज सुबह 1 घंटे के लिए एक रेगुलर हमारे एजुकेशन सेशन में आप आ सकते हैं, जिसकी ट्रेनिंग की वजह से बहुत कुछ बदलाव पिछले 1 साल के अंदर हमारे अंदर हमारे बिजनेस में आया है। सो आप लोग सीखना है ये सेहत से सफलता सेशन क्या है, उसको समझना है एंड आपसे क्वालिफाई करना। ये देखिए, एंड ऑफ मंथ हमारा फ्लायर है, 31st July हमारा एंड ऑफ मंथ डे है। एंड थैंक यू सो मच, एंड मैं यही कहना चाहूंगा अगेन अवर गेस्ट स्पीकर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना अनमोल समय दिया, एंड इस कॉल पे मौजूद प्रत्येक शख्स को मैं कहूंगा थैंक यू। और समझिए, आज आपने इस ट्रेनिंग से अगर एक भी पॉइंट लिया कि यस नाउ आई एम गोइंग टू दिस, अगर एक भी पॉइंट ऐसा सोचा आपने कि यस अब मैं अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने वाला हूं, मैं अपने नेक्स्ट लेवल काम करने वाला हूं, तो आज का ये इवेंट आपके लिए सक्सेसफुल है। थैंक यू सो मच, बैक टू मास्टर सरवनी और ग्लोबल एक्सपर्ट मेंबर मयूर तंवर सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you so much, everyone. All leadership, go to your work. For excited and all the best. Best of luck. See you next event. अब हम इस event को यहीं officially close करते हैं. Thank you so much. Have a nice day. Best of luck. I had this incredible dream when I wanted to start the Herbalife company, that we can help people lose weight and we can help them do it safely. And they would have not just hope, that they would have reality through our product. I want you to write down on your notes here, it's not important where I'm at right now, it's where I can be in the future that's important. There's not another company I can think of that's having the life-changing type experiences that Herbalife is having, not just here, but throughout the world. And I'll tell you something, together, we can all make this a better world for people in it. We need one team of people in this entire auditorium marching out of this meeting when we go back to our own countries and our own little homes and say, hey, we got the best company in the world. We are the ones. We got the products. We got the leadership. We are the most unbelievable people. We're simply the best.